Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Suno mere brother, Sunnumere sister. The story of the monk who became chief minister, a wonderful leader, the fearless yogi. In Kitarif in Kikam, se hi hogi. Dirty politics in आते ही खत्म बड़ा सिंपल सा है पंडा काम ज्यादा बातें कम सबका सॉल्यूशन इनका जनता दरबार कोई मजाक तो नहीं होना एम पी पाँच पा लगातार आदित्यनाथ योगी योगी करते हैं सारे यहाँ पर पूरी कहानी सब जाने कहा कलरफुल लाइफ ये कैसे सफरन हुई एंड हाउ कम अजय विकेम योगी ऐसा क्या हुआ सब बदलने की चाली इफ यू वो नो पढ़ो इनकी कहानी पढ़ो मेरे ब्रादा पढ़ो मेरी सिस्टर द स्टोरी ऑफ द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज आज दस बजे के इस कार्यक्रम में और आपने जो अभी एक रैप सॉन्ग सुना उसके रचयिता है और उसके प्रणेता है शांतनु गुप्ता जी और ये ये रैप सॉन्ग सबसे पहले चला था मुझे याद है जब जयपुर डायलॉग्स 2017 में रिलीज हुई थी आपकी पुस्तक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर जयपुर डायलॉग्स 2017 में शांतनु गुप्ता जी आपका स्वागत है और हम बहुत अच्छी तरह से याद है आपकी पुस्तक रिलीज हुई थी और वो पुस्तक बेस्ट सेलर बनी और आज भी एक मील का पत्थर है जहाँ तक के योगी आदित्यनाथ जी के बारे में और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई लेकिन आपकी जो पुस्तक थी उसकी कुछ बात ही और थी तो उसके बाद से अब योगी जी को लगभग साढ़े चार वर्ष हो गए कुछ ही दिनों में चार वर्ष हो गए चार वर्ष हो गए अगले अगले वर्ष उनका चुनाव होगा जी और जो हम देख पा रहे हैं और जो उनकी जो छवि है जैसे हम पहले से बात करते हैं उनकी छवि जो थी पहले वो एक हिंदुत्व के एक समर्पित योद्धा के रूप में थी जी और लेकिन लोग बहुत सारी बातें उनके बारे में नहीं जानते थे जी। और पिछले चार वर्ष में उनकी जो उनका जो व्यक्तित्व है उसके और नए आयाम नए नए आयाम मैं कह सकता हूँ और उभर के आए हैं जिस तरह से उन्होंने विकास का कार्य अपने लिया है और जिस प्रकार से उन्होंने विकास में लगभग सभी और मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया बल्कि मैं ये कहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री जो पंद्रह साल लगभग पंद्रह साल मुख्यमंत्री रह गए वो भी आज इस बात में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो योगी जी के पद चिन्हों पर चल रहे ये एक बहुत ही मुझे कहे मैंने मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये ऐसी एक उपलब्धि है जो एक बहुत ही दुर्लभ है तो शांतनी जी सबसे पहले तो आ, वैसे तो बहुत सारे लोग अब जान गए लेकिन फिर भी एक आरंभ में एक बात हो जाए कुछ उनके पूर्वाश्रम जीवन की और उसके बाद फिर हम उनका जो अभी इस समय जो मुख्यमंत्री तो काल है उसके बारे में बात जी संजय जी पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और जैसे आपने कहा 2017 में ये किताब जयपुर डायलॉग्स में जयपुर में आपने बुलाया था डॉक्टर डेविड फ्रॉले थे आप थे शिफाली वैद्य जी ने मॉडरेट किया था और तब ये किताब लॉन्च हुई थी आपको पता है हम लोग अपनी किताब को मार्केट करने से कभी नहीं चूकते तो बिल्कुल बिल्कुल करते रहना चाहिए निश्चित रूप करते रहना चाहिए <laughs> uh, ये पब्लिशर के पास तो बहुत सारी किताबें होती हैं हमारे पास तो अपनी चार हिंदी में करी फिर कन्नड़ा में, 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 में आई गुजराती में आई अभी संस्कृत उर्दू बहुत सारे ट्रांसलेशन हो रहे हैं योगी जी ने खुद इसका विमोचन भी किया मंकू बिकेम चीफ मिनिस्टर इसको एमेजोन में बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला डब्लू एच स्मिथ के स्टोर्स में कई

अयोध्या के मुद्दे पे तो मैं अयोध्या से कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुद्दे तो मैं रहता हूँ टीवी इंग्लिश हिंदी में तो धन्यवाद उस समय आपने 2017 में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था और अब हम फिर मिल रहे हैं बात तो हमारी होती रहती है लेकिन हाँ हम फिर मिल रहे हैं तो जैसा आपने कहा कि उनका पूर्वाश्रम जीवन क्या है या उनका बालकाल का जीवन क्या है बल्कि बड़े मजे की बात है जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी तो मैं उत्तराखंड गया उत्तराखंड में जहाँ से वो है गढ़वाल में घुमा बहुत जगह उनके माता पिता से मिला

फिर नवी दसवीं एक में बल्कि वो अपनी जो इंटर करने जो इलेवन ट्वेल्थ जिसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश में वो करने अपने भाई के साथ ऋषिकेश में आए वो कमरा लेकर रहते थे ऐसे कम लोग होंगे जो ग्यारहवीं बारहवीं में कमरा लेके रहते होंगे और पढ़ते होंगे और लगी मजे की बात है कि मैं भी उस समय ऋषिकेश में रहता था मेरा भी जो मैं, मैं भी जो आ, ब्रिंगिंग हुई है मेरी उम्र बयालीस साल है उनके अड़तालीस उनके छह साल छोटा तो मैं भी आसपास ही कहीं रहाऊंगा तो बड़ी मजे की बात है मेरा स्कूल अच्छा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था मेरे पिताजी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे तो मैं स्कूल में गया तो सब जगह जब मैं गया कॉलेज में गया तो ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली उनके बारे में तो मैंने क्या अगर अपनी किताब को उल्टा कर दिया तो मैंने किताब नॉर्मली क्रोनोलॉजी से लिखते हैं आप बचपन लिखते हैं फिर उनका संन्यास लिखते हैं फिर उनका एम जो मेंबर में ऑफ पार्लियामेंट है फिर उनका चीफ मिनिस्टर का समय लिखते हैं लेकिन क्योंकि मुझे उनके बचपन और जो जवानी का जीवन उसके बारे में बहुत तथ्य मिले ही नहीं मिले भी मतलब ऐसे नहीं थे कि उसमें कुछ बड़ी बात हो आ, तो मैंने किताब उल्टी कर दी और किताब मैंने फिर ओथ से शुरू करी तो थी थी। मेरी किताब होती है स्टार्ट आई योगी इतनाथ एक तो वो वहां से किताब शुरू होती है लेकिन कुछ बड़ी मजेदार बातें पता लगी उनके बचपन के बारे में जैसे उनके पिताजी फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो पंचूर गांव में पैदा हुए उत्तराखंड में और वहां पे उनके पास गाय थी बहुत सारी तो बड़ी मजे की बात है बचपन से उन्होंने घर में गायों को देखा पांच छह गायों उनके घर में होती थी उन्हें चराने का काम उनके शेड्यूल में था तो तीन भाइयों को बारी बारी से वो काम मिलता था कौन गाय को चराने लेके जाएगा छोटा सा फील्ड भी था जो आज भी है और उनकी माता जी साढ़े चार पांच बजे उठ जाती थी पिताजी उठ जाते थे अगर पिताजी स्टेशन में होते थे नहीं तो पिताजी और जगह भी होते थे और अगर आपको याद हो तो जब योगी जी चीफ मिनिस्टर बने थे तो एक जोक चला था कि कौन पहले उठता है सुबह मोदी जी उठते हैं कि योगी जी उठते हैं और तो 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 <laughs> उसमें क्वेश्चन था कौन साढ़े चार बजे उठता है कौन पौने पांच बजे उठता है ना मतलब मैं इसके देखा रहा हूँ कितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ लाइफ स्टाइल है ना क्योंकि पॉलिटिक्स हमने देखा था एक मजाक की तरह है हमने देखा है कई बार राहुल गांधी आंदोलन में बारह बजे पहुंचते हैं दो बजे पहुंचते हैं तो देखिए मैं राहुल गांधी से एग्री करूं डिसएग्री करूं वो अलग बात है लेकिन यू हैव टू मैच हार्ड वर्क विद हार्ड वर्क राइट एटलीस्ट दस्टी विदी एटलीस्ट दिलीजेंट डिलीजेंस विदिजेंस तो वो गरे जो गरे समय है एक माता पिता साढ़े चार बजे उठ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं गाय का गोबर साफ कर रहे हैं गाय को उनको उनको एक काम मिला है स्कूल के बाद आने के बाद गाय को लेके जाना वो पहली बार फिर जो वो जो एरिया है वहां से बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी निकले हैं मतलब वो नेशनल लेवल पे उतने फेमस नहीं हो पाए तो वो वो कहानियां सुनते हुए उत्तराखंड हमें पता ही है देवभूमि के जाना जाता है वहीं के पास में यमकेश्वर है जो यम की जो हम परिकल्पना करते हैं अपने अपने पौराणिक तथ्यों में उसकी कहानियां सुने तो उस तरह की कहानियां सुनते वो वो पले बड़े और फिर वो बहुत सारे स्कूलों में पढ़े ऋषिकेश में रहे बहुत समय ऋषिकेश हमें पता है कितनी सुंदर नगरी है अः फिर वो वहां से कोटद्वार में कॉलेज करा कॉलेज जब करा तो वो वहां पे विद्यार्थी परिषद में भी चले गए उन्होंने अच्छा। चार पांच दिन वो ज्वाइन कैसे कर ली उनकी दीदी की शादी हो रखी थी वहां पर उनकी तीन बहनों में से एक बहन की शादी तो उनके घर में रहे वो और उनका देवर एस में था तो ऐसा होता है उस समय उनकी उम्र 19-20 साल थी तो उनको स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करनी थी उनको नहीं पता था कि एस एफ आई क्या है एनएसयूआई क्या है तो अब वो उसने कहा चल मैं तो जो यूनियन ज्वाइन कराता उसने यूनियन मतलब एस एफ आई होती होगी तो एस एफ आई ज्वाइन कर ली लेकिन वो चार पांच दिन में जब लोगों के साथ मिले तो उनको लगा ये तो बड़े अलग से लोग हैं सब सिगरेट पी रहे हैं वो बड़े अलग तरह से एनवायरमेंट से आए थे उनकी बातें भी नहीं समझ में आई तो उन्होंने चार पांच दिन में छोड़ दी फिर उन्होंने पूछ ही रहूंगा विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करी बड़ा मजे के बड़ी मजे मजे की कहानियां सुनने में आती है कैसे वो सबकी मदद करते थे ओरिट्री में करते थे कंप्लेंट भी बड़ी करा करते थे वो उसके आप चाहे मॉरल पुलिसिंग कह लें स्कूल में कोई बच्चा जैसे आप गुटका चबाने लगते हैं

और कम से कम मैं डेढ़ घंटे उनके साथ एक दुकान के आगे बैठा रहा वो मुझे रास्ते में मिले कहीं हम कोटद्वार की तरफ जा रहे थे और उन्होंने काफी सारी बातें बताई अंत में बताते बताते वो थोड़े से चौक भी हो गए बोले भाई तुमने जो घर देखा है छोटा सा मैं आपको घर भेजूंगा आपको फोटो भेजूंगा वो जो घर भेजा है तुमने छोटा सा देखा है आ, वो वही एक घर है फॉरेस्ट ऑफिसर तो बहुत पैसा कमा लेते हैं मेरी वही एक संपत्ति है लेकिन जो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है कि मेरा मैंने एक ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर सन को अः जन्म दिया है और वही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है तो ये कह के उन्होंने अपनी बात खत्म करी तो हाँ मतलब ये उनका जीवन रहा जो कह सकते हैं और अब आश्रम में आने के बाद फिर क्या रहा कुछ थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। देखिए आश्रम आने के विषय में अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे कहूं कि वो सन्यासी क्यों बने उसका जवाब तो किसी के पास नहीं है ना जवाब किसी के पास नहीं है क्योंकि अवैधनाथ जी ने उनको ही क्यों बनाया आपको पता है उनके गुरु थे अवैधनाथ जो खुद सांसद थे तीन बार के, जी चार जी बार जी के जी मैं स्वयं गोरखपुर रहा हूँ आप जी में जी में जी। जी। आपके अब, अब, मुझे आपके भाई साहब से भी तभी मिलना हुआ मैं जब गोरखपुर लखनऊ से जाता था तो लौटते समय अयोध्या में जाना हुआ तो वहां पे पता लगा कि दीक्षित जी भी यूनिवर्सिटी में हैं तो और उनके जो गुरु हैं दिग्विजय नाथ जी वो तो राजस्थान से ही आते हैं तो हुआ ऐसा कि जब ये राम मंदिर का मूवमेंट चल रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं कि राम मंदिर के मूवमेंट में मठ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बल्कि जितनी भी कमेटी थी उसमें अशोक सिंगल जी अध्यक्ष नहीं थे उसमें सब में महेंद्र थे क्योंकि अशोक सिंगल जी चाहते थे हर समय संत समाज का व्यक्ति अध्यक्ष बने तो जितनी भी राम मंदिर की कमेटी बनी जो चौरासी में ताले भी खुलवाए उन्होंने उसके अस्सी पे जो कमेटी बनी अः उन्यासी में बनी इक्यानवे में बनी नब्बे में सब में अध्यक्षता महंत अभैदनाथ ने करी ये बहुत कम मैंने एक तो, वहां नहीं पहुंचे थे। तो एक बार ऐसा हुआ अवैधनाथ जी पूरी यात्रा पर निकले अः तो उसमें उत्तराखंड भी गए उत्तराखंड में इनके कॉलेज में भी गए कोटद्वार में भी इनके कॉलेज के पास मतलब कोटद्वार में, में गए तो वहां पे एक बैठक में ये भी थे तो इन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे ये क्यों वो क्यों तभी से जिज्ञासु थे तो कुछ ऐसा हुआ कि अविदनाथ जी की पर नजर पड़ गई ये लड़का कौन है इतने कैसे सवाल पूछ रहा है तो हल्की सी एक बात होती है कई बार होता है आप किसी स्टेज पे जाते हैं तो किसी जो आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो आपकी ऑफ स्टेज कम से कम बात हो जाती है तो उनकी वहां से बात हुई और उन्होंने कहा भाई तुम आना अजय तुम मिलना मुझसे तो ये एक बार गोरखपुर अपने दोस्तों के साथ ऐसे ट्रैवल करने चले गए बीच में जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो वहां पे इनका अच्छा परिचय हो गया कुछ कुछ उन्होंने कहा हाँ कुछ ऐसा उन्होंने शब्द कहा जो कई लोग बोलते हैं कि भाई तुम यहीं के लिए बने हो ये एक बड़ी मजे की बात है अवैधनाथ जी ने कहा तुम यहीं के लिए बने हो ठीक है ये बात खत्म हो गई फिर हुआ ऐसा अवैधनाथ जी एक बार एम्स में दिल्ली में भर्ती हुए संजय जी उनको कुछ बीमारी हुई और योगी आदित्यनाथ जी को जब पता लगा तो वो एम्स मिलने गए तो अवैधनाथ जी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि अजय अब तुम्हें आना ही पड़ेगा और मठ तुम्हारा इंतजार कर रहा है अब ये उन्होंने क्यों कहा ये कोई नहीं जानता है उनमें क्या देखा अब ये कॉस्मिक पावर होती है एनर्जी होती है गुरु शिष्य को पहचान जाता है तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूं मैं आऊंगा और आप पहले स्वस्थ हो जाइए और जब तक वो स्वस्थ होके पहुंचे तब तक ये एमएससी में पहुंच चुके थे एमएससी का फर्स्ट ईयर किया है बीएससी पूरी करी है योगी जी ने अजय सिंह जी ने कोटद्वार से एमएससी उन्होंने ऋषिकेश में एक साल कंप्लीट करी और उस समय ये एम्स वाला वाकयात हुआ और फिर वो घर पे ये कह के कि मैं कुछ नौकरी करने या कुछ देखने को जा रहा हूँ गोरखपुर ये कह के निकल गए और छह महीने बाद उनके पिता क्योंकि आपको पता है गोरखनाथ मठ एक बड़ा मठ है कुछ वहां पर होता है तो उसकी खबर छपती है तो पेपर में एक छोटी सी खबर उनके पिताजी ने पढ़ी आनंद सिंह जी ने की कि भाई एक, एक उत्तराखंड का लड़का वहां का उत्तराधिकारी बन गया महामठ में परंपरा है कि अपने जीते जी गुरु को अपना एक उत्तराधिकारी बनाना पड़ता है तो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया एक लड़का है जिसका नाम अजय सिंह बिस् था अब वो योगी आदित्यनाथ हो गया ऐसे उनके पिताजी को खबर पता लगी दोनों माताजी पिताजी आनंद फानंद में गोरखपुर पहुंचे और उन्होंने देखा ये तो अजय तो बाल बाल मुंडवा के साधु वेश में है बिल्कुल उनके समझ में नहीं आए क्या करें फिर अवैधनाथ जी और बड़ी अजीब बात है अवैधनाथ जी स्टेशन पे थे भी नहीं अवैधनाथ जी से तो फोन पे बात करवाई अवैधनाथ जी ने एक बात कही देखिये तुम्हारे छह पुत्र पुत्रियां हैं सब सांसारिक जीवन में एक को, एक को को धर्म के लिए दे दो एक को देश के लिए दे दो आ, तो आपका कल्याण होगा आ, तो ये बात सुन के उन्होंने कहा चलिए ठीक है थोड़ा भारी मन तो होता ही है हर 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 पिता का हर माता पिता का सपना होता है कि विवाह हो बच्चे हो एक आगे आगे ग्रस्थी बने लेकिन ये देख के वो लोग वापस आ गए तो ऐसे ऐसे हुआ कि वो सन्यासी बन गए और उस समय ही उन्होंने बहुत 94 में हुआ 94 में से से गद्दी तो उन्होंने जो मठ की गद्दी थी वो तो 2014 में मिली क्योंकि वो मरणोप्रांत मिलती है वैसी परंपरा है लेकिन जो राजनीतिक गद्दी थी वो 98 में ही चार साल में अगला चुनाव जब महंत अदितनाथ जी को ऑफर हुआ तो उन्होंने कहा मेरी जगह योगी लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे तो नाइन्टी तो में जो पहला चुनाव जीता उन्होंने फिर नाइन्टी एट आगे राजनीतिक प्रक्रिया नाइन्टी से शुरू हो गया तो मठ में ऐसा जीवन राव उनका नाथ संप्रदाय के बारे में भी बताया जो नाथ संप्रदाय की परंपरा है जी, और ऐसा मेरे ध्यान में आया है कि नाथ संप्रदाय ने भारतीय समाज को जो तंत्र के द्वारा जो विकार आ गए थे जो पंचमकार जिसको बोलते हैं जिसकी तर्ज पर आजकल हमने पंचमकार निकाले तो वो जो वो जो पंच मकार वाली जो विकृति आ गई थी उससे बाहर निकालने में नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा एक नाथ संप्रदाय की एक बहुत बड़ा रोल रहा है जी, जी नाथ संप्रदाय मुझे भी बल्कि मतलब मैं अपने आप को मानूंगा कि कि मेरी भी शिक्षा बिल्कुल नहीं थी जब मैंने पहली बार पढ़ा पता था नाथ संप्रदाय होता है लेकिन वो इतना गहरा है मतलब जैसे पतंजलि योग सूत्र एक तरफ चलता है तो साथ में एक पैरल स्ट्रीम नाथ संप्रदाय के भी योग सूत्र तंत्र सूत्र और अलग उनकी एक पूरी विधि है बड़ी कठिन परंपरा है छोटी सी बात बताऊंगा आपने योगी आदित्यनाथ जी को देखा होगा वो कुंडल पहनते हैं कान में वो कुंडल जो डाउन लोब होता है जहां पे महिलाएं या पुरुष भी पहनते हैं वहां नहीं पहना जाता वो मिडिल लोब में पहना जाता है यहा, यहाँ पे करीब जैसे आप मेरी किताब में देखेंगे तो यहाँ पे करीब वो पह, पहना जाता है तो वो होता है कि एसेटिक प्रैक्टिस होती है और बड़ा कठिन होता है बिल्कुल आपको बिना कोई एनेस्थीसिया दिए बिल्कुल ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसके बाद एंटीसेप्टिक सरसों का तेल डाल दिया जाता है और अगर ऐसा माना जाता है कि अगर आपने वो करते समय ऐसे चूं भी कर दिया तो नेक्स्ट बोल देते हैं कि अभी आपकी शरीर स्थिरता के लिए तैयार नहीं है लेकिन हाँ बड़ी पुरानी परंपरा है माना जाता है कि जो आदिनाथ शिवा है वहां से लेकर अब जो परंपरा आ रही है तो योगी आदित्यनाथ केवल उस मठ मट के मठाधीश नहीं है वो पूरा जो नाथ संप्रदाय जो अखिल भारतीय नाथ संप्रदाय उसके भी अध्यक्ष अः है और जैसे आपने कहा जैसे तंत्र मंत्र के के नाम पे जो बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी उसको भी कैसे क्योंकि देख तंत्र की जो विद्या है वो बड़ी सदीवी विद्या है लेकिन हाँ उसमें विकार है उसको भी उन्होंने साधा और बड़ा विस्तार है इसका अफगानिस्तान से लेकर नीचे अपने साउथ में लेकर बहुत सारे चुनचुनगिरी मठ के जो हमारे स्वामी जी हैं कर्नाटका में बहुत प्रसिद्ध हैं आ, वो ही उनके अभिषेक के लिए आए थे जब 2014 में उनका अभिषेक हुआ आ, तो बहुत बहुत कठिन एक, एक विधा है और जिसने सामाजिक जुड़ाव के लिए भी पहले भी काम करा जब हम आजादी के समय भी और राम मंदिर मूवमेंट और जितने भी सोशल मूवमेंट है अगर आप मठ में जाएंगे संजय जी आपने तो गोरखपुर में रहे हैं तो बड़ा एक सामाजिक तर... बहुत मेरी बहुत पुरानी स्मृतियां है बहुत लेकिन लेकिन की बात है वहां पे बड़ा बड़ा मतलब एक सामाजिक एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है एक एक सामाजिक संगठन की तरह काम करता है वहां पे सहभोज खिचड़ी और मठे का सहभोज होता है जिसमें आपको पता भी नहीं होगा कौन बैठा है संजय दीक्षित बैठे हैं कि बगल में कौन बैठा है कि बगल में मुसलमान बैठा है बगल में दलित हिंदू कौन बैठा है किसी को पता नहीं लगेगा सभी बांटेंगे उसमें सभी खिलाएंगे जो जो खा चुका होगा वो हाथ धो के बांटने लगेगा एक बड़ी पुरानी परंपरा है ये लोग तो आजकल कुछ लोग नेता कहते हैं कि हम दलित के घर में बैठ के खाना खाए वहां पे सदियों से परंपरा चली आ रही है योगी आदित्यनाथ ने आने के बाद हाँ उस मठ की परंपराओं को और फॉर्मलाइज कर दिया आ, वो अलग बात है जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे जब वहां पे राजनीति नहीं थी तब भी वहां पे दरबार लगता है एक एक राजनीतिक सामाजिक दरबार लगता है जिसमें लोग आते हैं अपनी समस्याएं सुलझाते हैं सारे जितने भी हिंदू फेस्टिवल हैं बहुत ही धूमधाम से बहुत ही भव्यता के तरह मनाए जाते हैं अगर आप मठ के आसपास के रीजन में देख लिये तो जो पूरा शहर है गोरखपुर गोरखपुर गोरखनाथ मठ से ही शहर बना है तो मैं जिन भी होटलों में रहा मुझे पता लगा वो मठ की जमीन में ही ने ही जमीन दान करी है तो वहां सब कुछ मठ का है वो शहर ही बसाई मठ के आ, कारण है तो वहां का जितना व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो भी मठ की जमीन में मठ के दान में मठ ने कॉमर्स भी शुरू करा वहां के कम से कम जो मैं आगे भी बताऊंगा इस बात को कि कम से कम चालीस से बयालीस इनके इंस्टीट्यूशन चलते हैं जो चाहे नर्सिंग के हों स्कूलिंग के हो कॉलेज कॉ, कॉलेज के हों तो मठ एक पूरी वहां की सामाजिक व्यवस्था है अब राजनीतिक व्यवस्था भी है अब तो मुख्यमंत्री वहीं के हैं तो ऐसी स्थापना है मठ की वहां पर जो सामाजिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन से अब राजनीतिक जीवन को भी छू रही है तो अब आ जाते हैं जो एक नया किरदार जो अब निभा रहे हैं योगी जी जी मुख्यमंत्री बनने के समय लोगों में बड़ी उत्सुकता थी कि भाई ये तो हिंदुत्व तो मैस्कट है ये पता नहीं क्या करेंगे तो उन्होंने वो जो उनका प्रचंड हिंदुत्व का जो ओझ था उससे तो कोई किसी तरह का समझौता किया नहीं लेकिन साथ में यदि आप देखें कि इंडिया टुडे जैसी जिसको हम मान सकते हैं कि पहले तो लेफ्ट ऑफ सेंटर हुआ करती थी अब तो पूरी तरह से एक तरह से लेफ्टिस्ट संस्था हो गई है वो भी जब अपने मुख्यमंत्री जब वेस्ट चीफ मिनिस्टर चुनती है तो लगातार दो बार वो जी। योगी आदित्यनाथ को चुनती है निश्चित रूप से उनका एक एक उनकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अधीन ही उनको चुना गया है तो यह जो एक नया व्यक्तित्व का आयाम है जी। जी। योगी आदित्यनाथ जी का ये निश्चित रूप से अचंभित करने वाला है जी आ... देखिए अगर अगर आप मुझे एक, एक मिनट का समय दें तो जो मैंने जयपुर डायलॉग्स में कहा था दो हजार सत्रह की बात है हम हाँ। हम रिपब्लिक पे नहीं है आप दस मिनट हाँ। सकते हैं <laughs> ये 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 आपने ये आपने बिल्कुल मजे की बात करी रिपब्लिक क्या मतलब एक टीवी पैनलिस्ट के लिए चार पांच मिनट सात मिनट एक साथ बोलना एक लग्जरी है क्योंकि वहां पे आधे मिनट की स्पेस ढूंढने के लिए भी बिना चिल्ला चिल्लाए आपको मतलब बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है तो पांच छे मिनट में अगर कैप्टिव ऑडियंस में देख रहा हूँ अभी अपने मोबाइल हैं, हैं, तो तो है, हैं एक क्वेश्चन में तो, ये मेरे लिए लग्जरी है। तो मैं मैं एक बार बताऊंगा 2017 में जब मैंने रिसर्च शुरू करी संजय जी तो बड़े मजे की बात थी मैंने टीम से कहा कि मुझे सारे आर्टिकल दो 500 800 जितने भी आर्टिकल आज तक छपे हैं छोटे बड़े तो हिंदी के हिंदी के लेख तो मुझे फिर भी मिले जो पॉजिटिव या न्यूट्रल रिपोर्टिंग जैसे पहला दो हजार चार में आया दो हजार नौ में आया दो हजार चौदह में आया है दो हजार चौदह को चलो आप मान ले मोदी वे दो हजार चार और दो हजार नौ में तो भाजपा का हाल बुरा था तब वो एक्सपोनेंशियल मार्जिन से जीत रहा है तो कुछ तो अच्छा होगा ही भाई ना? तो कैसे वो मुख्य चुनाव जीत रहा है तो मेरी वहां से रिसर्च शुरू हुई और मुझे अपनी पूरी किताब को अगर मैं चार चार वाक्यों में बांटू मुझे चार चीजें पता लगी जो मुझे लोग नहीं बांटते थे लोग नहीं दिखाते थे मुझे जो मुझे लेख मिले पहली एक तो वो बहुत यंग एम पी वो छब्बीस साल की उम्र में जब एम बने तो वो भारत के सबसे यंग एम थे ठीक है तो छब्बीस साल में संसद में घुस जाना अब वो चवालीस साल के थे जब वो मुख्यमंत्री बने अब वो चार साल जोड़ लिए वो अड़तालीस साल के हैं अड़तालीस साल में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो विश्व का अगर एक देश होता तो छठा सबसे बड़ा केवल पांच देश ऐसे हैं जिनकी आबादी आ, उत्तर प्रदेश से ज्यादा है उसके चीफ मिनिस्टर हैं लोकप्रिय है चीफ मिनिस्टर हैं इंडिया टुडे जैसी मैगजीन उनको नंबर वन कह रही है और वैसे भी लोकप्रिय हैं केवल उत्तर और उसके बाद हमने लोकसभा चुनाव भी देखे दो के तो वो भी एक तरह से मोदी जी पे तो रिफ्लेक्शन है ही लेकिन साथ में योगी आदित्यनाथ पे भी रिफ्लेक्शन है वो तो वो एक जवान चीफ मिनिस्टर है यंग चीफ मिनिस्टर है जो हम भूल जाते हैं हम राहुल गांधी पचास साल में भी यंग रहते हैं अखिलेश यादव भी यंग रहते हैं लेकिन आ, कोई ऐसी संज्ञा नहीं आती कभी यंग चीफ मिनिस्टर आपने कम सुना होगा योगी इतना था यंग चीफ मिनिस्टर ऐसा बोलते नहीं है पता नहीं क्यों लोग कितने चीफ मिनिस्टर हमने जो कि, किसी खानदान से नहीं आते हैं हमने चालीस चवालीस साल की उम्र में चीफ मिनिस्टर बने देखा है किसी को पहली बात दूसरी बात हम देखते हैं वो सांसद की तरह उन्होंने क्या किया पांच बार के सांसद रहे जो आखिरी सांसद का काल था वो बीच में तोड़ना पड़ा उन्हें 2004 से 17 में उन्होंने वहां से अवकाश लिया और फिर एमएलसी एल बन के मुख्यमंत्री बने अगर आप केवल 2014 से 2017 का समय देखें उनका तो चार पांच पैरामीटर होते हैं संजय जी जिन पे आप पार्लियामेंटेरियन को देख सकते हैं संसद में अटेंडेंस होती है क्वेश्चंस होते हैं डिबेट होती है प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं चार पांच इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पार्लियामेंट में सब में उनका डेटा नेशनल एवरेज से बढ़िया अगर मैं राहुल गांधी से कंपेरिजन करू तो, तो मजा ही आ जाएगा है ना मतलब मैंने दो में देखा राहुल गांधी की अटेंडेंस फोर्टी इनकी एट्टी क्वेश्चन uh, तीन सौ राहुल गांधी ने वोटे जीरो क्वेश्चन पूछे थे अब तो फिर भी क्वेश्चन पूछने लगे इस पार्लियामेंट में तब जीरो क्वेश्चन पूछे थे उस पार्लियामेंट में डिबेट इन्होंने सत्तावन डिबेट में पार्टिसिपेट किया था उसने उन्होंने राहुल गांधी ने आठ नौ डिबेट में पार्टिसिपेट किया था प्राइवेट मेंबर में बिल जो बहुत कम होते हैं वो भी योगी आदित्यनाथ ने तीन प्रेजेंट किए थे राहुल गांधी ने ऑब्वियसली जीरो किए थे और मजे की बात है योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार से तीन सौ क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये भाजपा की मोदी की सरकार है जिनसे वो तीन सौ क्वेश्चन पूछ रहे हैं राहुल गांधी अपोजिशन के मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है लेकिन हमें पता है राहुल गांधी क्या है अपोजिशन में तब भी उसके बाद भी वो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे और इन नेशनल एवरेज से भी नंबर बड़े हैं मतलब राहुल गांधी तो एक मेरे लिए इजी कंपैरिजन है लेकिन नेशनल एवरेज से देखूं उससे भी ये कम्पिटेटिव तो एक बहुत ही जुझारू और बहुत ही एक्टिव सांसद है और वो पूछ क्या रहे हैं लोगों को लगेगा वो राम मंदिर पूछ रहे हैं क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछ रहे हैं क्या वो तीन सौ सत्तर पूछ रहे हाँ वो पूछ रहे हैं वो लेकिन वो वो भी पूछ रहे हैं जो शायद एक ज्योतिर सिंधिया या फिर एक शशि थरूर पूछेंगे कि एलपीजी कब आ रहा है गैस की सब्सिडी कैसी है हमारे इसराइल से संबंध कैसे हैं आई कब खुल रहे हैं एम्स कब खुल रहे हैं जीएसटी में क्या हो रहा है मतलब एक एक जो जो से गवर्नेंस और पॉलिसी के क्वेश्चन होते हैं हैं वो भी भरे पड़े अब उनके वीडियो लोगों ने नहीं देखे लोगों ने कुछ खास वीडियो देखे तो मर दिया कि भाई ये तो उनको वही आता है तो उन्होंने बहुत ही एक्टिव फॉरेन पॉलिसी से लेकर फाइनेंस से लेकर सब्सिडीज से लेकर गवर्नेंस के बहुत स्ट्रॉग क्वेश्चन पूछे हैं तो तीन सौ क्वेश्चन एक एक पार्लियामेंट में पूछे तो मतलब उन्होंने कई डेढ़ दो क्वेश्चन अपने साल में संसद काल में पूछे तो एक बहुत एक्टिव और बहुत ही इन्वॉल्व बहुत सारी कमिटीज में रहे बहुत बार विदेश ट्रैवल करा उन्होंने तो एक बहुत ही मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं जो लोग नहीं जानते थे ये तो हो गई बात संसद में अब वो अपने घर पे क्या कर रहे हैं गोरखपुर में क्या कर रहे हैं गोरखपुर में उनका बड़ा खतरनाक रूटीन है वो चार बजे उठते हैं पूरे मठ की परिक्रमा करते हैं गाय की सेवा करते हैं ऊपर जाते हैं स्नान करके नीचे आते हैं और अपना मठ अपना दरबार लगाते हैं ये ऐसा दरबार संजय जी वो पिछले बीस साल से लगा रहे हैं अब वो अब वो दरबार शिफ्ट हो गया है मुख्यमंत्री कार्यालय में और यहाँ पे भी उनके कुछ लोग लगाते हैं तो गोरखपुर में भी एक सीएम ऑफिस चलता है छोटा सा तो इस दरबार में 20 साल से जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे इसमें रोज मैंने जब देखा डेढ़ सौ से 300 लोग आते थे केवल गोरखपुर के नहीं उत्तर पूर्वी भारत के लोग आते थे बिहार के लोग आते थे और क्या क्यों आते थे कोई ठेके पट्टे वाले लोग नहीं आते थे गैस कनेक्शन वो आते थे कि भाई मेरी स्कॉलरशिप नहीं हुई मेरा वजीफा नहीं हुआ मेरी मेरे मेरी पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई जो एक एक रोजमर्रा की जो अपने नेता के पास होती है और मजे की बात है मैं जब खुद वहां था तो एक, एक मुस्लिम व्यक्ति वो विजिबली पता लग रहे थे इस कल के आप गाड़ी में थे तो वो निकल के आ रहे थे वहां से तो उनके हाथ में कुछ एक छिट्टी सी थी तो मैंने पूछा चाचा क्या है ये तो बोले बड़े खुशी से बेटा ये ये बाबा की जादु छिट्टी है चाहे नेताजी की सरकार हो या बहन जी की सरकार हो कलेक्टर काम करेगा ही करेगा अब कुछ लोगों को अगर ये भाषा ना समझ में आई हो बाबा उनको योगी योगी जी को बाबा बोला जाता है गोरखपुर में बल्कि लेकिन वहाँ एक शब्द है कि बाबा से मिलने जा रहे हैं ना बाबा उनके लिए एक शब्द है छोटे महंत या बाबा उनके लिए शब्द है छोटे महंत क्योंकि बड़े महंत अविदनाथ जी को बोला जाता था यह बाबा की जादुई छुट्टी है चाहे नेताजी की सरकार हो मतलब मुलायम सिंह यादव को नेता बोला जाता है नेताजी की सरकार हो या बहन जी बहन जी सबको पता है मायावती को बोला जाता है मतलब किसी की भी सरकार हो क्योंकि उस समय सरकारें इन्हीं की थी मायावती की थी अखिलेश की थी या मुलायम जी की थी किसी की भी सरकार हो कलेक्टर काम करेगा ही करेगा इतने इतनी ताकत थी उनकी अः उस समय एज अः सांसद तो और वो जैसे ही अपना जनता दरबार खत्म करते थे कम से कम छह से आठ गांव का दौरा डेली करते थे बेनागा अगर वो गोरखपुर में है जो वो रहते थे संसर, संसर को छोड़ के या विदेश का कोई दौरा जो पार्लियामेंट ने लगाया उनका उसको छोड़ के वो गोरखपुर में रहते थे तो व्यापक जनसंपर्क है एक छोटे से उदाहरण से खत्म करूंगा पता लगेगा लोगों को कि एक बार मुलायम सिंह यादव ने उन्हें एक बड़े उलझुल केस में अरेस्ट करने की कोशिश करी दो हजार की बात है और वो मठ से दो किलोमीटर में लेके आना था उनको थाने पे पूछ के लिए उस किलोमीटर को लाने में संजय जी पुलिस को कम कम से से घंटे लग गए लोग बिछ गए सड़क पे पुलिस एक एक आदमी को उठाती थी, थी और एक एक इंच गाड़ी आगे बढ़ाती थी मतलब जब मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हुए लोगों ने कहा ये कोई भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे भाजपा के बाद दो लाख कार्यकर्ता नहीं पड़े एक शहर में है ना कार्यकर्ता दस बीस हजार होते तो ये नॉर्मल लोग थे जो वो बीस साल से छोटे महंत और एक एक सांसद की तरह उनका ध्यान रख रहे थे लोगों ने पूछा कि ठीक है चलो अच्छे पुजारी हैं घंटी बजाते हैं पूजा पाठ करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आएगा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है इतनी बड़ी ब्योक्रेसी है उत्तर प्रदेश की ब्यूरोसी मानी जाती है अपने आप में आ, उसमें इतने बड़े बड़े नेता हुए हैं इतने बड़े प्रधानमंत्री दिए हैं वहां पे कैसे एक महंत को बना दिया तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कम से कम चालीस चवालीस इंस्टीट्यूशन चलते हैं मैंने जब उनको देखा की तरह है, इसको साइन कर रहे हैं चेक साइन कर रहे हैं इसको इसको फायर कर रहे इसको हायर कर रहे रहे हैं हैं हायर उनके डायरेक्टर्स हैं उनके कॉलेजेस हैं उनके हॉस्पिटल्स हैं मतलब एक एक बहुत बड़ा एक तरह से इफ आई कैन यूज द वर्ड हॉस्पिटल है जो मटका चलता है जो पूरा सारा सारा एक सेवा भाव से चलता है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी भी है और क्योंकि वो सांसद रहे हैं तो उनको समझ भी है सरकारी काम की और जनता दरबार सुनकर उनको लोगों की क्या प्रॉब्लम्स आती है वो भी सुनती है जब वो मुख्यमंत्री बने और मैंने किताब लिखनी शुरू करी तो उन्होंने मुझे कुछ मीटिंग में बैठने का मौका दिया कि भाई आप फ्लाइन द वॉल की तरह बैठे रहे तो एक मीटिंग में मतलब ऐसी कोई क्लासिफाइड बात नहीं है तो मैं बता सकता हूँ बाहर भी एक मीटिंग में बड़े मजे की बात हुई एक स्टार्टिंग की बात है दो तीन महीने हुए थे सरकार को एक मंत्री जी जो बैठे थे उन्होंने कहा कि हमें एयरपोर्ट्स और चाहिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में फंक्शन एयरपोर्ट दो तीन ही इतना बड़ा राज्य है तो हमें ऐसी व्यवस्था है सारे सेक्रेटरीज बैठे थे चीफ सेक्रेटरी बैठे थे अगले सात आठ मिनट योगी जी ने एयरपोर्ट्स पे बोला Were jaw हाँ, मतलब ऐसे कि यार ये एयरपोर्ट मतलब ऐसा लग रहा है कोई कोई मतलब कोई साइंटिस्ट बोल रहा हो या इंजीनियर बोल रहा हो उन्होंने मतलब टर्माक एयर ट्रैफिक कंट्रोल बोइंग फिर पता लगा कि वो बहुत सारी कमेटी में रहे हैं। उनको ज्ञान है इस बात का उन्होंने मतलब जो जो चीफ सेक्रेटरी जिस जिस लेवल पे बात करा था योगी जी भी उससे कोई उन्नीस बी सी थे बस उनको भी समझ थी और ऐसी बात उन्होंने कृषि में करी ऐसी उन्होंने स्कूलों में करी ऐसी उन्होंने पुलिस भर्ती में करी तो तो लोगों को पहले ही महीने में पता लग गया था कि दिस गाई ये, ये केवल घंटी बजाने वाले पुजारी नहीं है वो तो है तभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था ओपन इंडिया में चला काफी वा, 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 लोगों ने पढ़ा वो कि आईपैड इन वन हैंड एंड पूजा की थाली इन अनदर योगी शोज गवर्नेंस और वो हो भी रहा है वो हो भी रहा है तो ये मैं कहूंगा कि उनके ये ऐसे उन्होंने शुरू करा और फिर जो चार साल में हुआ मैं टॉपिक बाय टॉपिक अगर आपके पास टॉपिक है नहीं तो मैं बताता हूँ कैसे अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या काम हुआ नहीं मैं मैं, मैं जानता हूँ थोड़ा क्योंकि मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का ही हूँ जी, जी जी और जो मेरे साथी हैं ब्यूरोक्रेसी के उनसे चर्चा होती रहती है होती और रहती है। जो वो कहते हैं मतलब जैसे एक बात बताऊ आप आपको जो मुझको आपको क्या, क्या सुनने मिलता मेरे लिए भी मजेदार होगी बात की, आपने, आ, आप, आपने, आपने साथियों कि अपने साथी से कह रहे बहुत सीनियर कि पहली बार काम करने का मजा आ रहा है मजा आ रहा है देखिये बिल्कुल बिल्कुल हाँ और नहीं आ रहा है मजा आ रहा है तो अगर वो कोई कह रहा है ऐसा तो समझ लीजिए कि वो एक विलक्षण प्रशंसा है किसी मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री की और हमें पता है कि नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है मैंने 35 वर्ष गुजारे ब्यूरोक्रेसी में और मैं ये कह सकता हूँ कि दो चार साल से ज्यादा मैं नहीं कह सकता कि मुझे काम करने का वाकई मजा आया किसी मुख्यमंत्री के साथ में एक अरे इस बात को आप वेरीफाई भी करिएगा मुझे बहुत सुनने को मिलती है जब मैं ब्यूरोट से बात करता हूँ कि भाई पिछली सरकारों में जो पहला फोन किसी ब्यूरोक्रेट को आता था वो ग्यारह बजे आता था बारह बजे आता था अब पहला फोन साढ़े आठ बजे आता है तो कहते तो हैं ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि उनकी खुद की प्रक्रिया तो साढ़े चार बजे शुरू हो जाती है और वो जो हमारी प्रक्रिया है वो आठ साढ़े आठ बजे शुरू कर देते हैं तो यह एक ही बात दूसरी बात कैबिनेट मीटिंग होती है आप लोगों को पता है कैबिनेट नोट आता है तो अखिलेश जी के समय वो कैबिनेट नोट घर घर चला जाता था मंत्रियों के कैबिनेट मंत्रियों और साइन होकर वापस आता था अब कैबिनेट मीटिंग को डेढ़ दो घंटे से कम में खत्म ही नहीं होती है ये तो मैं बेसिक हाइजीन बता रहा हूँ फिर अलग अलग मुद्दों में हम बात कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर में क्या जो हुआ, जो हुआ कुछ लोग तो जो इजी गोइंग चीफ मिनिस्टर होते हैं तो तो कैबिनेट मीटिंग क्या सारा काम सर्कुलेशन से से हो जाता है आ, से होता है सर्कुलेशन होता जो फॉर्मल तो, मीटिंग होती है जो डिस्कशन होते हैं वो होते ही नहीं है जी, तो, तो मुख्यमंत्री जो है वो एक शहनशाह की तरह है बाकी सारे दरबारी है इस तरह की स्थितियाँ होती है देखा है मैंने भी देखा है यहाँ पे आप हमारे यहाँ भी एक शहनशाह रहे हैं पब्लिक रही है हम जानते हैं उनका कार्यकाल कार्यप्रणाली किस प्रकार की थी तो आप एक एक डेड घंटे हमारे यहाँ तो कि नो सीएम इस तरह की चर्चाएं भी हुआं और उसी पार्टी की सरकार थी तो ऐसी भी नहीं बिल्कुल समझे तो हाँ मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या कु अब आते हैं दो जो विशेष पहलू हैं एक तो योगी जी ने जो मुझे लगता है जो मेरा आकलन आप अपनी तरफ से और बताएंगे क्योंकि आप लगातार निरंतर उससे जुड़े हुए उस आकलन से कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो सभी बात करते हैं और जो मेरा अनुभव है ब्यूरोसी का वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर तब सही रहता है जब जो मुख्यमंत्री होता है प्रदेशों की बात करो मुख्यमंत्री का किसी प्रकार की लाग डांट नहीं होती है सबको पता होता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए तो बिल्कुल सही चलता कि हमारे जो व्यवस्था है ना उसमें लोग जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं वो देख लेते हैं कि सवार कैसा है वो सवार के हिसाब से घोड़ा जो है वो अपनी चाल बदल लेता है बहुत सही सही सवारी करनी अनिचि गुड़ सवार को तो वो तो हम, हम लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जाऊंगा नहीं क्योंकि सभी लोग बात करते हैं तो उसमें तो उसमें उनका जो है वो <laughs> है। लेकिन फिर भी मैं अगर मिनट बताएं क्योंकि आ, आपकी जानकारी है, है क्योंकि आपका है। क्योंकि आपका संबंध है है लॉ एंड ऑर्डर पर बात बहुत होती है। अगर मैंने अगर सात सौ आठ डिबेट करी होंगी उत्तर प्रदेश पे तो उसमें बहुत सारी डिबेट लॉ एंड ऑर्डर पे है मैं चार पांच चीजें बताना चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर में हुआ क्या है और कैसे आदमी समझ सकता है क्योंकि कई बार वो कुलदीप सेंगर का केस हाथरस का केस बड़ा करके ऐसा दिखाया जाता है कि वही हो रहा है उत्तर प्रदेश में तो मैं केस से थोड़ा डेटा पे जाता हूं देखिए पहले तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले पंद्रह साल से 2017 के पहले आधी कैपेसिटी पे चल रही थी संजय जी आज आप समझ सकते हैं पुलिस आधी कैपेसिटी में तीन लाख वहां पे नियुक्तियां हो सकती हैं डेढ़ लाख की भर्ती से पंद्रह साल से मुलायम सिंह के समय में मायावती जी के समय में और अखिलेश जी के समय में डेढ़ लाख की केवल भर्ती थी भर्तियां बहुत बार हुई हर बार कोई ना कोई हाईकोर्ट में चला गया कि यादवों को भर लिया या इसको भर लिया ऐसा हुआ ऐसा फेवरेटिज्म हो गया हाईकोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी

वर्दीन पहन के अगर एक पुलिस वाला जवान पुलिस वाला खड़ा है तो उसी से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है तो पहली बात तो वो भर्तियां जितने भी कोर्ट केस थे वो सॉल्व हुए आपको पता है कि सरकार में डेढ़ लाख की पुलिस की भर्ती करना अपने आप में कितना बड़ा एक प्रश्न नहीं उठा पाया कोई बिल्कुल फेयर पुलिस की भर्ती हुई और वो डेढ़ लाख लोग इस समय फील्ड पे हैं पहली बात फिर जो ऐसे लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था और वो या तो संसद के गलियारों में थे या विधानसभाओं में थे आपको पता है मुख्तार अंसारी अतीक अहमद उनके लोग ऐसे कम से कम दो लोग जो जिन पे एफआईआर हुई कभी अरेस्ट एग्जीक्यूटिव नहीं हुआ जो कोर्टों से भाग गए जो जेलों से भाग गए ऐसे लोगों जिन्होंने कभी टच नहीं करना चाहा विकास दुबे उसमें नाम है उन पर दबिश बनाई गई उनको पहले नोटिस भेजा गया उनके पास गया जहां पे उन्होंने काउंटर फायर हुआ उनके एनकाउंटर हुए उनको पकड़ा गया कुछ को पकड़ा गया कुछ को घायल होकर पकड़ा गया कुछ भगवान के पास चले गए जहां उनको जाना चाहिए था अपने कुकर्मों के बाद तो उसके उससे एक आप किसी भी जिले में जाए दो पांच बड़े माफिया थे वहां के वो वहां से गायब है या तो वो जेलों में है या वो कहीं और मुख्तार अंसारी पंजाब में आराम अंसारी पंजाब में बड़े स्मार्ट बड़े स्मार्टली सिंह ने बांदा की कुछ केस लगा के बांदा की जेल से उठवा के उनको पंजाब में बचा के रखा हुआ है तो वो अलग बात है लेकिन उनके जितने लोग हैं बचे हुए मुख्तार अंसारी के वो वो एस टी सी के कब्जे में है फिर क्या होता है जैसे कुलदीप सेंगर हाथरस के केस में और आपको पता होगा कि सीबीआई की मांग कभी चीफ मिनिस्टर नहीं करता है सीबीआई की मांग अपोजिशन करता है या सेंट्रल में अगर डिफरेंट पार्टी गवर्नमेंट होती है तो वो थोपती है यहां दोनों बार कुलदीप सेंगर के केस में भी और हाथरस के केस में भी योगी जी के पुलिस ने योगी जी ने कहा कि मैं सीबीआई की मांग करता हूं और दोनों बार सीबीआई ने कन्वर्ट करा हाथरस के केस में भी और कुलदीप सेंगर के केस में भी तो वो एक बिल्कुल देखिए उत्तर प्रदेश में अगर सौ क्राइम होते हैं पूरे देश में तो दस क्राइम उत्तर प्रदेश में होते हैं उससे कोई नहीं उससे कोई इंकार नहीं करता अगर सोलह परसेंट पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है उत्तर प्रदेश देश में तो क्राइम भी होते हैं उस देशों में लेकिन अगर पुलिस का इकबाल है अगर उसमें काम होता है कि अगर हमने सबको याद है लड़के हैं गलती हो जाती है लड़कों से गलती आज भी होती है लेकिन आज वो लड़के जेल जा रहे हैं आज वो लड़के दिन दिन में दिन में या सीबीआई में तीन चार से छह महीने में वो जेल जा रहे हैं ये एक सी चेंज है और इसी से इन्वेस्टमेंट वापस आ रहा है या या राइटिंग का देख र, राइट्स होते हैं अब भाई आपके फोटो लग जाते हैं और कोई 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 उसमें वो नहीं कि मीडिया क्या कहेगा इंटरनेशनल मीडिया क्या कहेगा ह्यूमन राइट्स वाले क्या कहेंगे उनके पोस्टर लग गए और उनसे मैं तुम्हें से वसूली करूंगा तभी जितने भी राइट होते हैं वो एक एक दिन में डेढ़ डेढ़ -डे दिन में उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाते हैं आ, और इसका इसका हमने नतीजा देखा कि जैसे ही पहले साल इन्वेस्टमेंट समिट हुई पांच लाख करोड़ जो उत्तर प्रदेश के बजट के बराबर है उतना इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस हुआ जिसमें से थर्टी टू फोर्टी परसेंट अगर कोविड होता तो एट्टी परसेंट कोविड ना होता तो एट्टी परसेंट हो चुका था फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट जो है वो चीजें जमीन पर आ चुकी है उनका भूमि पूजन भी हो चुका है फोर्टी फिफ्टी परसेंट जो मेरा अनुभव है फोर्टी टू जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर है बहुत बड़ा नंबर है किसी बहुत, बहुत बड़ा नंबर है किसी भी इन्वेस्टमेंट समिट में से अगर फोर्टी टू ग्राउंड पे आ जाए, आ जाए तो ये अविश्वसनीय है मैं तो ये कहूंगा क्योंकि मेरे अनुभव में ये आंकड़ा कभी भी कम से कम मेरे प्रदेश में दस प्रतिशत के पार नहीं गया नहीं रहा मैं आपको एक आखिरी मजे का उदाहरण देता हूँ जो लॉ एंड ऑर्डर को चिन्हित करता है जब इन्वेस्टमेंट आता है तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक बनिए को एक 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 एक, एक कारोबारी को पता होता है कि मुझे अपना पैसा कहाँ ले जाना है अगर मेरा पैसा सेफ है मेरे लोग सेफ हैं तभी मैं वहां पहुंचूंगा तो यह बड़ा अच्छा चिन्ह है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है पेटीएम एक कंपनी है सबको पता है उसका ऑफिस नोएडा में है वो ई कॉमर्स वो वो बैंकिंग की वॉलेट कंपनी तो है साथ में ई कॉमर्स की साइड भी है उसकी जो डिलीवरी होती थी वो नोएडा में नहीं होती थी ये उत्तर प्रदेश में नहीं होती थी मेरे मेरा दिल्ली में घर है तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे अपना एड्रेस दे दो कुछ मंगवाना है पेटीएम से अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में कैश ऑन डिलीवरी भी करता है ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि कैश ऑन डिलीवरी अपने आप में काफी रिस्की चीज होती है लोग सामान छीन लेते हैं कैश नहीं देते हैं कैश मैनेज करना अपने आप में एक मुश्किल चीज होती है इसलिए कैश ऑन डिलीवरी छोटे शहरों में अवॉइड करा जाता है जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता कोई भी ई कॉमर्स कंपनी का आपको व्यक्ति बताएगा तो ऐसे बहुत सारे चिन्ह दिखते हैं और जो डेटा है वो तो दिखाता ही है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर काफी मजबूत हो रहा है और जो अगर चीजें हो भी रही हैं तो तीन दिन पांच दिन में छोटे केसों में एक से दो महीने में बड़े केसों में लोग पकड़ में आ रहे हैं और जो बड़े माफिया थे वो तो कैसे ही आ, गायब है तो नॉर्मल अपना आदमी बिजनेस कर सकता है जो हमने देखा था जैसे लालू लालू राज के बाद जब नीतीश आए थे तो मेन हुआ था कि बेसिक बिजनेस हो पाता था लोग बड़ी कार आ, खरीद के सड़क पे चला पाते थे जो ऐसे कुछ जो पंद्रह बीस जिले थे जिनमें ऐसी दहशत थी उत्तर प्रदेश में भी वो बिल्कुल अः निल नील हो चुकी और लोगों को सीधे सीधे पता लगता है वो तो लॉ एंड ऑर्डर की हाँ आपने मना भी करा फिर भी मैंने सोचा इतना तो जरूर मैं बता दू ये ठीक <laughs> है बिल्कुल बिल्कुल आपने जब बताया सही बात है कि लोगों की जानकारी में आना चाहिए मुझे तो खैर बताया तो आ, जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगी जी का जो मेरे आकलन से है ने, ने. वो एक तो जो आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं तो वो है और उसके ऊपर अकल्पनीय रूप से उनका फोकस है एक और दूसरे जो बहुत अनफैशनेबल चीजें होती हैं हेल्थ और एजुकेशन विशेष तौर से जो कोविड में जो उन्होंने किया 22 करोड़ की जनसंख्या जो कल अखबार में आया था कि एक भी केस नहीं एक भी एक भी डेथ नहीं हुई ये भी एक बड़ा अविश्वसनीय है उनका एक उदाहरण है जो उन्होंने किया तो विशेष तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं पहले जानना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो उनका फोकस है वो उन्होंने उनका उनकी पूर्व प्रतिबद्धता है या कि ये उनको चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनको इस प्रकार का ध्यान आया कि इस प्रकार का हमें करना चाहिए देखिए मुझे क्योंकि पहले जो दो महीने उसमें काफी समय बिताने को मिला उन्होंने कुछ समय अपने साथ बिताने को दिया कुछ समय उन्होंने मुझे बहुत सारी मीटिंग में बैठना अलाउ करा तो ये बात किसी को नहीं पता होगी बहुत कम लोगों को पता होगी मीडिया में नहीं आई उतनी उस समय मीडिया उतना एक्टिव नहीं हुआ था योगी जी के पीछे पहले महीने उन्होंने पूरा एजुकेशन पे बताया एजुकेशन मतलब एजुकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं एजुकेटिंग द मिनिस्टर्स तो उन्होंने क्या करा जितने भी विभाग हैं करीब अगर छोटे बड़े वस्तम में तो करीब एक साठक विभाग बनते हैं किसी भी आ, किसी भी सरकार में तो उन साठक विभागों को या फिर अगर उनसे प्रेजेंटेशन मंगवाया आप, आप विभा, करता है बिल्कुल पीपीटी बने बहुत स्मार्ट पीपीटी बने आपका विभाग क्या करता है आपने पिछले दस साल में क्या बड़े अचीवमेंट करे आ, आपकी कौन सी आपकी अच्छी बातें क्या है आपकी बुरी बातें क्या है आप क्या प्रपोज करते हैं अपने आप अभी सरकार बनी है पंद्रह दिन में ये प्रेजेंटेशन शाम के छह बजे शुरू होते थे रात के बारह 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 एक एक बजे तक चले थे पूरा मंत्रिमंडल बैठा होता था और उस विभाग और चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का सीएम का ऑफिस बैठा होता था और जो विभाग प्रेजेंट कर रहा होता था उसके सारे बड़े से छोटे अधिकारी आठ से दस अधिकारी तो ये साठ सत्तर लोग बैठ के प्रेजेंटेशन सुनते थे एक एक दिन में चार या पांच लोगों का प्रेजेंटेशन होता था ऐसे पूरे महीने में कम से कम पचास से पचपन प्रेजेंटेशन हुए ये अपने आप मैंने नहीं सुना कभी किसी चीफ मिनिस्टर ने अपने आप को एजुकेट कराओ और अपने मंत्रिमंडल को एजुकेट कराओ उन्होंने कहा भाजपा सरकार में नहीं है पंद्रह साल से और मेरे लोगों को पता तो लग जाए मुझे खुद पता लग जाए कि भाई आपके में आपके यहाँ हो क्या रहा है वहां पे जब भी उन्होंने देखा और उसी वहीं पे वो कॉन्वर्जेशन आए लोगों को पता है इनको कृषि के बारे में एजुकेशन के बारे में भर्तियों के बारे में सरकार की प्रणालियों के बारे में और जो सरकारी टर्मनोलॉजी है जो लीगल टर्मनोलॉजी उसका भी बहुत अच्छा ज्ञान है क्योंकि एज एम की आप जब जब पांच साल रह लेते हैं आप संसद में दो तीन हजार क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपकी एक समझ भी बन जाती है प्रशासनिक समझ भी बन जाती है तो वहां से उनको दो तीन बड़े गैप्स निकल के आए जिसमें ये पॉट होल सड़कें बड़ा एक गैप आया तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो अस्सी हजार जो होल हुए, उनको कैसे भरा जाए बिल्कुल सौ, सौ तो वो, वो, वो यादव का हमने एक्सप्रेस वे बनाया, हमने एक्सप्रेस पे बनाया वो जो आगरा से लखनऊ का मैम ठीक है भाई एक्सप्रेस वे और कहा है और कहाँ कनेक्टिविटी है बुंदेलखंड में कनेक्टिविटी है क्या नहीं पूर्वांचल में कनेक्टिविटी है क्या नहीं लखनऊ से और हम हर बड़े महानगर में जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के नगर में नहीं तो सारे आपको पता है लेकिन टेंडरिंग प्रोसेस एक बड़ा प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करना बहुत सारे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होते हैं लैंड एक्वायर करनी पड़ती है तो वो सब के बावजूद इनकी सरकार रहते रहते दो बहुत बड़े जो अखिलेश यादव एक छोटा जो घंटे का रास्ता है उसका आज भी वो वर्णन करते हैं ऐसे उससे कई दोगे तिगने एक्सप्रेस उनकी सरकार रहते रहते, रहते टेंडर होके खत्म भी हो जाएंगे जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर एक इंपॉर्टेंट चीज है उत्तर प्रदेश में संजय जी एक बात चलती थी कि पावर देखिए बिजली बिजली की एक होती है खपत कितनी है और इसकी कि आपूर्ति कितनी है आप खरीद सकते हैं खरीदेंगे तो आपको बिल लेना पड़ेगा बिल आप लेंगे नहीं क्योंकि बिल लेने से आप शायद अप्रिय हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप आपके पास बिजली तो उतनी है जितनी है तो आप रोस्टर चलता है वहां पर तो हाँ बस एक बात मैं खत्म कर लूंगा कि रोस्टर चलता था तो कहते हैं बिजली का रोस्टर कहाँ है कहां पे बिजली आएगी कहां पे बिजली कटेगी बस इसका मैनेजमेंट होता था बिजली और खरीदी कैसे जाएगी इसका मैनेजमेंट कभी नहीं होता था आप कुछ कह रहे थे कह रहा था कि थी बिजली की उत्तर प्रदेश में वो पूरे देश में सबसे अधिक थी और वो छियालीस प्रतिशत से लेके और 50 प्रतिशत तक रहती थी और इसका मतलब है नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है वो हम मानते हैं कि कोई एफिशिएंट सिस्टम होगा तो 10-15 परसेंट के बीच तो बाकी जो 35 परसेंट है वो चोरी थी शुद्ध शुद्ध चोरी जैसे हम हमारे उत्तर प्रदेश में खंटी लगाना बोलते हैं खंटी लगाना मतलब तार होता है उसे लगा देते हैं लाइन में उसमें बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं करंट लग के लगते वो एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है तो अब क्या हुआ इन्होंने कहा इसका क्या करें तो प्रीपेड मीटर लगाए अब हम जब हम बात कर रहे हैं एस वी आर टॉकिंग चालीस लाख प्रीपेड मीटर लग चुके हैं संजय जी प्रीपेड मीटर ऐसी नहीं नई व्यवस्था नहीं है लगे हैं लेकिन इतनी बड़ी संख्या में किसी प्रदेश में प्रीपेड मीटर कभी नहीं लगे उत्तर प्रदेश जगह क्योंकि प्रीपेड मीटर आज भी भारत में बहुत सारे इलाके हैं जहां कलेक्टर या जो भी डिस्कॉम है वो बिजली का बिल कलेक्ट करने से डरता है मैं मैं बहुत ध्यान से इस्तेमाल कर रहा हूँ डरता है वहां पे उसे पता है कि जो कलेक्शन वाला जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा या फिर पीट के वापस आएगा तो वहां पर प्रथा ऐसी हो गई है कि थोड़ी बहुत बिजली देते रहो कच्ची पक्की दस बारह घंटे पंद्रह घंटे के लिए बिल नहीं कलेक्ट होगा यहाँ पे या फिर घरों में इंडस्ट्रियल यूनिट लगे हुए हैं लेकिन घर का बिल जा रहा है मीटरों से जा रहा है बिजली की चोरी हो रही है जैसे आपने कहा चालीस तो बिजली में बड़ा काम हुआ जहां पे कैसे जो टाउन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चौबीस चौबीस घंटे बिजली जो जो छोटे टाउन में 22 घंटे बिजली और जो जो गांव क्षेत्र उसमें 18 से 20 घंटे बिजली मतलब हर जगह अपने 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 पुराने काल से छह छह से आठ आठ घंटे बिजली ज्यादा आप समझ रहे हैं अगर छह से आठ घंटे बिजली ज्यादा होगी तो औद्योगिक जीवन ऐसे ही बढ़ जाएगा मैं मेरे घर में जितने गैजेट्स होंगे वो ज्यादा इस्तेमाल होंगे मैं ज्यादा खरीद करूंगा छोटा सा सूचक मैं इस तरह के सूचक जरूर रखता हूँ आप नोएडा में किसी भी अपने मित्र की अगर कंपनियों से पूछे जेनसेट का बिल कम हुआ है क्या वो बताएगा जेनसेट का बिल ड्रास्टिकली कम हुआ है क्योंकि नोएडा में जितनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां एच सी से लेकर पेटीएम कंपनी है उनको तो चौबीस घंटे बिजली चाहिए तो तो बिजली के बिल जनसेट के बिल, बिल, बिल मतलब डीजल के बिल जो भी उनका फ्यूल का बिल आता है वो कम हो गया तो ये पावर और इंफ्रा में आ, बहुत बहुत मजे का काम हुआ है और दिखने भी लगेगा और इस साल के अंत तक कोविड ने थोड़ी सी रफ्तार कम करी लेकिन सड़क का काम जो है वो ऑलमोस्ट दो तीन महीने के बाद चलना शुरू हो गया था और बहुत सारे लोगों को जो अलॉट किया है महाराष्ट्र से गुजरात से उनको सड़क के काम में लगाया भी गया उस पर भी कई लेख लिखे भी गए हैं डिटेल में आ, कुछ को मनरेगा के अंडर में कुछ को ऐसे ही सीधे सीधे चिन्हित करके एक एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं मैं एजुकेशन पे धीरे से आता हूं उसमें पीडीएस पे बहुत बड़ा काम हुआ है इस समय हमने देखा कि भाई बहुत सारे लोग कहते थे आधार से प्राइवेसी जारी है अरे ये जो जनधन अकाउंट खुले इससे क्या फायदा इसमें तो पैसा ही नहीं गया तो ये जो जैम ट्रिनिटी है उसने कोविड में जो मदद करी वो तो आपको पता अकल्पनीय है जो पैसा ट्रांसफर हुआ आइडेंटिफाई करके जो वन कार्ड वन राशन की व्यवस्था हुई तो उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं था 2017 से पहले जबकि प्रणाली पुरानी है उत्तर प्रदेश में जो करीब 20 करोड़ बेनिफिशियरी हैं उसमें से उस सबको आधार सीडिंग करा गया इस समय 97 परसेंट जितने भी राशन के ट्रांजेक्शन है वो आधार से होते हैं और कम से कम हजार से बारह करोड़ रुपए की जो चोरी होती थी अनाज की या अनाज से संबंधित चीजों की वो पूरी रुक गई है मैंने बल्कि जो उस समय कमिश्नर थे फूड कमिश्नर आलोक कुमार जी आई ऑफिसर है उनके साथ एक टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख भी लिखा था कि जो पीडीएस रिवोल्यूशन है बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है और और उसी ने बहुत ज्यादा गुडविल पैदा करी है क्योंकि देखिए अनाज मिल पाना और कोटेदार किस तरह अस्सी हजार से कोटेदार की दुकान है सब पे पॉस मशीन है योगी आदित्यनाथ तो अपने ऑफिस में बैठे बैठे देख सकते हैं किस व्यक्ति ने कितना अनाज कब लिया किस कोटेदार के पास कितना अनाज कब पहुंचा आ, बहुत सुंदर व्यवस्था है जो जो छत्तीसगढ़ जिसमें माना जाता था काफी अव्वल है अब उत्तर प्रदेश भी उदाहरण है जिससे कोई भी पीडीएस सिस्टम अपना समझ सकता है एजुकेशन बड़े मजे की चीज है पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने मेरे ख्याल से अगर मेरी जानकारी नहीं हो तो आप बताइएगा लर्निंग आउटकम को प्राइमरी बनाया नहीं तो एजुकेशन में एक काम होता था स्कूल की बिल्डिंग बना दो बच्चों को ड्रेस दे दो बच्चों को साइकिल दे दो वो भी मैं मैं उसकी वो नहीं कर रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए वो बेसिक है वो तो हाइजीन है वो तो होना ही होना चाहिए लेकिन कभी लर्निंग आउटकम पे बात नहीं आई हर समय था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दो बच्चे तो पढ़ी लेंगे मिड डे मील दे दो बच्चे तो पढ़ी लेंगे लेकिन लर्निंग आउटकम क्या है क्या बच्चा जो हमारी प्रथम की रिपोर्ट आती थी, थी कि पांचवी का बच्चा दूसरी की गणित नहीं कर पाता है पांचवी का बच्चा दूसरी की हिंदी नहीं पढ़ पाता है पहली बार लर्निंग आउटकम लेवल पे प्रेरणा प्रेरणा लक्ष्य बोल के प्रेरणा मिशन चलाया गया जिसे मुख्यमंत्री ने खुद लॉन्च करा और कोरोना काल में भी वो लॉन्च होने वाला था लेकिन कोरोना काल में ट्रेनिंग हुई जो 20 जो देश की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं चाहे वो टीचर ट्रेनिंग में है चाहे वो कंटेंट में है चाहे वो Uh, किसी भी विधा में है उनसे टाइप करा गया वो सारी बैठी आ, और आप दिल्ली में किसी भी एजुकेशन से पूछिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा काम हो रहा है बल्कि विजय किरण आनंद जो कुंभ के मेला अधिकारी थे वो इस समय एजुकेशन डायरेक्टर हैं वो दिल्ली में जितनी भी सेंट्रल की जो एजुकेशन की जो एनईपी की, की टीम्स हैं उसके भी पार्ट है एक फिनोमिनल चेंज हो रहा है कैसे लर्निंग आउटकम बेस्ड पढ़ाई हो और केवल इनपुट बेस्ड पढ़ाई ना हो कि भाई हमने टीचर दे दिया आपको टीचर की ट्रेनिंग कर दी तो शिक्षा तो हो ही जाएगी लेकिन हम आउटकम बेस्ड पहली बार शिक्षा हुई है और पहली बार टीचर ट्रांसफर अब एक सारे टीचर एक सिस्टम में है एक एल्गोरिथम के बेस पे उनका ट्रांसफर होता है जो टीचर की भर्ती और टीचर की जो ट्रांसफर एक बहुत बड़ा रैकेट होता है हर प्रदेश में आपको पता है हरियाणा के एक मुख्यमंत्री तो जेल में रहे उस अभी भी जेल में है शायद केवल टीचर ट्रस्टिंग टीचर पोस्टिंग के लिए आ, वो बहुत क्लीन हो गया शिक्षा में एक और आखिरी चीज एकदम आप एकदम या, याद आते जा रही बातें उत्तर प्रदेश दसवीं और बारहवीं कि बोर्ड की एग्जाम पास करने के लिए एक बहुत बड़ा रैकेट एक माफिया प्लेस माना जाता था पंजाब महाराष्ट्र राजस्थान से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में केवल इसलिए रजिस्टर करते थे कि यहाँ पे दसवीं और बारहवीं चीटिंग माफिया के थ्रू पास कर लेंगे जिस जिस बार से और ये दिनेश शर्मा जी जो मुख्यमंत्री उनके पास सीधे था विभाग उनके मेरे को बैठने का मौका मिला उन्होंने बिल्कुल सिलसिलेवार बताया उन्होंने कैसे करा दो से तीन लाख रजिस्ट्रेशन पहले साल से कम होने लगे लोगों को पता लग गया कि अब यहाँ पे पास नहीं कर पाएंगे चीटिंग माफिया ऑपरेट नहीं हुआ तो ये ऐसा अगर याद हो आपको कल्याण सिंह के समय राजा सिंह के समय भी हुआ था फिर अखिलेश जी का तो ऑन माइक स्टेटमेंट है अरे चीटिंग ये तो आ, करने दो बिल्कुल ऑन माइक स्टेटमेंट है उनका ये मुलायम मुलायम सिंह यादव ने उस पॉलिसी को हटा दिया था उस पॉलिसी को फिर से लाया गया और और अब जो उत्तर प्रदेश चीटिंग माफिया या दसवीं का बारहवीं का पर्चा भर दो और पास तो हो ही जाएंगे वो जो एक प्रदेश बन गया था वो वो हट गया तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही हाइजीन लेवल की जो उत्तर प्रदेश में नदारत थी तो योगी जी के जो लो हैंगिंग फ्रूट थे ना वो भी बहुत हाई थे

उसकी आलोचना तो होती है तो स्वस्थ भी होती है अस्वस्थ भी होती है जी, जी, जी। अस्वस्थ तो छोड़ देते हैं क्योंकि तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का मेरा बैकग्राउंड है तो मैं जानता हूँ वहाँ किस तरह की राजनीति होती है उसे छोड़ जी। दे जी। एक बार। जी। तो अगर इसको वस्तु परक यानी ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो आलोचना के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे देखिए मैं उसे आलोचना कहूं या किस तरह से प्रस्तुत करूं मैंने जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके एक साल बाद इसको यूं कह लें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें और इम्प्रूवमेंट सकता है तो मुझे तीन चार चीजें लगती हैं जब मैंने 2018 में एक लेख लिखा था वो काफी चर्चित हुआ इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था मैंने फॉर योगी द मोदी मोदी मॉडल मतलब क्योंकि नरेंद्र मोदी और योगी का कंपैरिजन भी होता है पॉजिटिव कंपैरिजन होता है कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं मैंने भी अपनी किताब में ऐसा कुछ हल्का सा टेंजेंशियल रेफरेंस दिया है मुझे चार पांच चीजें लगती हैं एक तो योगी जी पार्टी स्ट्रक्चर से नहीं आते हैं बहुत सारे लोग इस बात को शायद राजनीतिक रूप से ना समझे उनको बताना चाहूंगा पार्टी मतलब वो भाजपा से चुनाव लड़ते हैं पिछले पांच चुनाव उन्होंने भाजपा से लड़े हैं लेकिन वो पार्टी स्ट्रक्चर से नहीं आते जैसे नरेंद्र मोदी संघ के स्ट्रक्चर में थे संगठन मंत्री थे बहुत सारे पदों पे रहे वो एक पार्टी स्ट्रक्चर से आते हैं उन्होंने हिमाचल से लेकर साउथ से लेकर सब जगह दौरे करें कोई पद रहा है वो पार्टी समझ में आती है उनको ना कि क्या बूथ की संरचना है क्या मंडल की संरचना है क्या सेक्टर की संरचना है क्या जिले की संरचना है क्या प्रदेश की संरचना है क्या मोर्चा है क्या युवा मोर्चा है क्या महिला मोर्चा है एक बहुत कैडर बेस्ड पार्टी है आपको पता है भाजपा जैसी संरचना बूथ पे है वैसी संरचना नड्डा जी के ऑफिस में है तो वही उसको बड़ा कैडर कर देती है वो संरचना से नहीं आते वो कभी जिले में मंडल अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष जिला अध्यक्ष नहीं रहे वो बड़े मठ से आते हैं मठ की जो पावर है आ, सोशल पावर है वो भी उनको पावर देती है और वो वहां से वो चुनते आते थे और वहां से वो लोकप्रिय हुए और संसद के पटल में में उनकी उनकी बात बात सुनते सुनते थे अलग सुनते थे अलग अलग भाषणों वो उस तरह से मुख्यमंत्री भी बने तो पार्टी स्ट्रक्चर्स में आते तो कई बार उनका पार्टी से कनेक्ट थोड़ा सा मिसिंग था जो अब जाके काफी ज्यादा ठीक हो गया क्योंकि वहां पर संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष काफी पुराने मंझे हुए लोग हैं तो वो ठीक हुआ तो कई बार ऐसी एमएलए को या लोकल विधायकों को रहती थी कि भैया एक जनप्रतिनिधि बात नहीं सुनते हैं मुख्यमंत्री अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉग करते हैं जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनते हैं तो कई बार पार्टी में थोड़ा सा रहता था पहले डेढ़ साल लेकिन उन्होंने क्योंकि जो सीखने वाला व्यक्ति होता है वो सीख भी जल्दी लेता है तो उन्होंने उस बात को अट्यून करा समझा कि क्या है तो वो एक गैप था दूसरी बात योगी जी के आसपास मुझे नॉन पॉलिटिकल नॉन ब्यूरोक्रेटिक टीम्स नहीं दिखती हैं ज्यादा अब फिर भी दिखने लगी हैं लेकिन अगर आपको याद हो नरेंद्र मोदी जब 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया गया तो उनकी बहुत सारी टीम हुआ करती थी एक प्रशांत किशोर की टीम थी जो पार्टी से कोई संबंध नहीं था वो नरेंद्र मोदी के लिए काम करती थी एक थे राजेश जैन जिन्होंने टू प्लस का नारा दिया था राइट ऑफ सेंटर की दो तीन मैगजीन बनाई जिसमें कंचन गुप्ता भी काम करते थे तो उनका एक अपना दल चलता था फिर जो आईटी सेल था बीजेपी का जिसमें उस समय क्या गुप्ता है वो नाम नहीं आता गुप्ता अरविंद गुप्ता वो उनका एक पैरल ट्रैक काम करता था रिसर्च चलती थी पार्टी का अपना कैडर था जो संघ परिवार था योगी आदित्यनाथ के पास ऐसी टीम नहीं दिखती उनकी उनकी अपनी पर्सनल व्यवस्था की टीमें हैं कि वो कब कहां जाएंगे शेड्यूल मेकिंग वाली और बाकी ब्यूरोक्रेटिक टीम है क्योंकि वो पॉलिटिकल नहीं है तो उनके पास एक पॉलिटिकल कोटरी या पॉलिटिकल किचन कैबिनेट या पॉलिटिकल कपल नहीं है अगर मैं आई यूज द वर्ड पॉलिटिकल कपल जैसे अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए है, या आडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए थे, थे या फिर लालजी टंडन कल्याण सिंह के लिए थे ऐसा एक पॉलिटिकल कपल उनके पास अभी मुझे नहीं दिखता है जो पॉलिटिकली कई बार दिक्कत करता है बहुत बार क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आपको सरकार की तरह नहीं राजनीतिक रूप से भी सॉल्व करनी पड़ती है ये दो चीजें मुझे दिखती हैं जो बड़ा बड़ा मुझे सामने से गैप दिखता है जो थोड़ा थोड़ा पूरा हुआ है लेकिन ये होगा आ, तो, एक मुझे उत्तर जो जो प्रदेश में उसमें कई बार कई बार क्या बल्कि आजकल तो लगभग हर बार हुँ. योगी जी को वो अपने पूर्वाश्रम के नाम से संबोधित करते हैं और मैं स्पष्ट समझ रहा हूं तो समझता हूं क्यों क्यों करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो एक ब्राह्मण ठाकुर प्रतिस्पर्धा सदैव रही है रही है और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और भी ज़्यादा तो उस फॉल्ट लाइन को और चौड़ा करने के प्रयास हाँ, के लोग अजय 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 सिंह 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 बेस्ट अजे अजे बेस्ट, बेस्ट और वो बेस्ट जो हमारे हिंदू परंपरा में किसी भी सन्यासी का पूर्वाश्रम नाम लेना जो है बहुत बड़ा पाप माना जाता है बल्कि अपने जो जो अपना जो लोकसभा का पर्चा भरते हैं उसमें वो अपने पिताजी का नाम नहीं लिखते हैं उसमें वो वैद्यनाथ जी का नाम लिखते हैं वो कहते हैं वही मेरे पिता गुरु हैं

आपके इमरान मसूद के हाथ तुरंत चली गई वो अलग बात है लेकिन वो पिक्चर में नहीं आया ये पिक्चर में आया खैर तो ये जो एक पुरानी जो फॉल्ट लाइन है इसको किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि मैं जानता हूं क्योंकि मेरा पूरा बचपन जो है उत्तर प्रदेश में बीता है और मैं ये इसका साक्षी हूँ तो ये प्रयास बार बार होता है वहां पर ये और और ये जो अजय सिंह बिष्ट नाम से जो उनको बुलाया जाता है वो निश्चित रूप से बल्कि मैं जानता हूँ उसी का प्रयास है बिल्कुल बिल्कुल तो इसको किस तरह से साध रहे योगी जब मैं डिबेट में जाता हूं बहुत सारी योगी जी की तो बोलते हैं अजय सिंह बस अजय सिंह बस बोलते हैं उनके दो तात्पर्य होते हैं एक तो उसको ठाकुर नाम को बोलना बार बार जिससे लगे कि योगी जी ठाकुरवाद फैला रहे हैं और दो का एक योगी के दर्जे से नीचे लाना उनको जैसे लोग एक एक अलग तरह की कोई महिमा में ना रहे उनकी की योगी है तो तो वो दोनों को तोड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन वो टूट पा नहीं रही है आ, स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत झूठी झूठी लिस्टें मिलाई डीएम की जो आपको पता है उत्तर प्रदेश में पचहत्तर जिले हैं अस्सी लोकसभा सीटें तो पचहत्तर जिले मतलब पचहत्तर डीएम तो पचहत्तर डीएम का नाम लिखते थे और उसमें साठ सत्तर के नाम के आगे सिंह लगा देते थे तो हम लोगों ने मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से कहा तो आप गलत लिख रहे हैं डीएम ही नहीं है वहां का ये आप झूठ लिख रहे हैं वहां का डीएम तो कोई और है तो मैंने एक बार खुद देखा मैंने कहा कुछ है तो नहीं ऐसा तो देखा छह डीएम थे जिनके नाम में सच में सिंह था

जैसी कोई ओपी सिंह अगर डीजीपी बन गया देखिए डीजीपी सिंह को बना दिया सिंह को बना दिया सीनियर सबसे वही था अगला अवस्थी बन गया तो अब क्या करेंगे आप <laughs> तो लोगों ने कोशिश बहुत करी जहां उनको पैटर्न मिला कि पांच डीएम एक साथ एकदम से सिंह दिख गए तो देखा अरे तो दो दो तो कुर्मी है उसमें से या पांच ऐसे दिख गए उन्होंने या फिर जैसे विकास दुबे को मारा देखिए ब्राह्मणों को मार दिया ब्राह्मणों को मार दिया ब्राह्मण था वो कहा क्या ब्राह्मण था उसमें उसे कौन से वेद आते थे उसे क्या पता था उसे क्या क्या ब्राह्मणत्व बताता उसमें उसका खान पान से लेकर उसके जीवन से लेकर क्या उसमें ब्राह्मणत्व बचा था उसके वो ब्राह्मण मार दिया जो कांग्रेस के लोगों ने ऑफिशियली कहा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ऑफिशियली कहा जितेंद्र सिंह ने कहा कि ब्राह्मण को मार दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को मार के विकास दुबे के नाम पे अगर वो ब्राह्मणत्व को जिंदा करना चाहते हैं तो इससे गरीब राजनीति कोई नहीं हो सकती आपको विकास दुबे में ब्राह्मण दिख रहा है आप ब्राह्मण के ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण की जो विद्या है जो विद्या के लिए माना जाता था उस उसपे कलंक है अगर विकास दुबे अगर ब्राह्मण है आपके लिए तो

चाहे वो टिकट देने में हो चाहे वो कुछ पद देने में हो पार्टी में बैलेंस करा वो करना भी पड़ता है पार्टी ने भी बैलेंस करा स्मार्टली पार्टी का बड़ा कैडर भी है वहां पे सुनील वंसर जी जो वहाँ के संगठन मंत्री हैं राजस्थान से आते हैं विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड से हैं बहुत ही कुशल कार्यकर्ता हैं उनकी पकड़ स्वतंत्र देव सिंह जो वहाँ के इस समय के प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी ने भी काम करा कैडर ने भी काम करा और मुख्यमंत्री ने भी देखा कि इस तरह को इस तरह की चीज जो ऑब्वियस कभी ऐसे मतलब मैसेजिंग में ऐसी ना जाए उसको भी उन्होंने भी ध्यान रखा तो मेरे ख्याल से वो कीचड़ उछाली उच्छाल, उछली उछाली बहुत गई लेकिन वो उछली नहीं बल्कि एक बात और बताऊंगा आप जी ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण ठाकुर की जो लड़ाई है पुरानी है बल्कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचे तो आपने नाम भी सुने होंगे हरिशंकर तिवारी और वृंदर साहिंदर शाही और चाहते थे हरिशंकर तिवारी तो अभी भी है उनके लड़के चुनाव भी लड़े हैं अः तो एक रायबल चलती थी और योगी आदित्यनाथ ने दोनों की एक तरह से गुंडागर्दी खत्म कर दी ठाकुर ठाकुर जो लॉबी थी और जो ब्राह्मण लॉबी थी दोनों की

चलते हैं कि बहुत सारे प्रश्न आ गए जो बहुत सारे प्रश्न मुझे पूछने थे वो लोग भी पूछना लोग तो लोगों के माध्यम से ही आने दीजिए उन प्रश्नों को ज़िए। ज़िए। और बस मैं अनुरोध कर लेता हूँ इस वीडियो को तो विशेष तौर से आप लाइक करें और शेयर करें ज़िए। सभी जगह और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो भी योगदान हो सके वो अवश्य करते रहें आइए हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी पर विक्रांत जी पूछ रहे हैं सर आदित्यनाथ जी की कार्यशैली देखकर यह दृष्टिगोचर हो रहा है कि भारत अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने के लिए उद्यत है इनका स्टेटमेंट है सवाल नहीं है लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा कि देखिए एक व्यक्ति जिसके परिवार से वो शायद आज संन्यास लेने के बाद दस बार भी नहीं गए हैं उसमें से भी सात बार ऐसी हैं वो उत्तराखंड के दौरे पे गए थे इसलिए चले गए परिवार के आसपास ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार में कोई आगे पीछे नहीं है एक मठ है जो जो धार्मिक रूप से संपन्न है आर्थिक रूप से संपन्न है आगे पीछे कोई लेने देने को नहीं है उनके लिए राजनीति भी एक सामाजिक कार्य करने का एक और लिवर है एक जवान व्यक्ति है ऊर्जा ऊर्जावान है जो जो उम्र की ऊर्जा है वो तो है ही एक यौगिक ऊर्जा जो होती है एक योगी में वो ऊर्जा है पांच बजे से उठ के रात के बारह बजे तक तो जो कोविड इलेवन की टीम है उससे मीटिंग करे बना वो सोते नहीं है तो इतना कर्मठ व्यक्ति जो एक एक चीज की मॉनिटरिंग करता है देखिए अगर सीएम मॉनिटरिंग कर लगे ना उन्हें अगर पचास काम दिए और पचास की रेगुलर मॉनिटरिंग होता तो ऐसे ही काम हो जाएगा उतने उतने वेग से काम करने वाला व्यक्ति और उसमें फिर विजन भी है उसने जो अपना बीस साल का जो संसद का जीवन है उसका सारा एक्सपीरियंस निचोड़ के वो उत्तर प्रदेश को दे रहा है तो मतलब कुछ खराब होने की तो मतलब उसमें संभावना ही नहीं है और उसमें फिर एक जो योगी का योगित्व है और जो 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 भावनाएं हैं जो करुणा है वो तो दिखती है तो इसलिए मतलब बिल्कुल सही मैं मानूंगा स्टेटमेंट का जो कहा है अगला प्रश्न है योगी जी मोस्ट स्टॉन्च एंड ओनली फिर्ड बट लीस्ट टारगेटेड बाई टेक तो ठीक कह रहे हैं अब जैसे मैं मैं कई बार उनसे एक्सेस करता हूँ किसी काम के लिए तो उनकी उपलब्धि चुनाव के समय बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं उनकी उपलब्धता क्योंकि चाहे मणिपुर का चुनाव हो चाहे वो बंगाल का चुनाव होगा अब या चाहे वो हैदराबाद का मुंसिपल चुनाव होगा वो वहां के जो लोकल कैंडिडेट होते हैं उनसे जो बड़े लीडर्स हैं हमारे सेंटर के नरेंद्र मोदी हो गए अमित शाह हो गए नड्डा जी हो गए उन्हीं की लीग में इनकी भी डिमांड होती है तो क्योंकि अपनी बात को गवर्नेंस आपका कोई भी भाषण लगे उसमें गवर्नेंस की पार्ट होती है बहुत स्ट्रॉ कि उन्होंने कितने जितनी भी सेंट्रल स्कीमें हैं वो यूपी में बहुत अच्छी इंप्लीमेंट हो रही है चाहे वो टॉयलेट बनाने की हो चाहे वो गैस वितरण की हो चाहे वो घर बनाने की हो उनके बारे में बताते हैं बिल्कुल डेटा उत्तर प्रदेश का क्या रहा है फिर वो जो अपोनेट होता है उसके बारे में बताते हैं उसने क्या नहीं करा और जो उनके कल्चरल मुद्दे हैं उसको बहुत स्ट्रांगली और उसका एक बड़ा अच्छा ऐतिहासिक परिदृश्य से रखते हैं आप कभी योगी जी से बैठ के बात करेंगे उनको इतिहास की बहुत अच्छी समझ है वो आपको चाहे वो गौरी गजनवी के समय की बात हो जो अभी की संसदीय प्रणाली की कोई जो पुरानी बात हो अच्छी समझ है बहुत पढ़ते हैं पढ़ते हैं तो उसे बहुत सुंदर सुंदर सुंदरता से रखते हैं और जैसा किसी ने जैसा हमारे आपके वक्ता ने कहा कि अन है बिल्कुल कि भाई है तो है उनको बोला कि भाई आप ईद मनाएंगे बोले नहीं मैं हिंदू मैं ईद क्यों बनाऊंगा जो ईद बनाएगा उसको पूरी सुरक्षा प्रदान करूंगा उसने आपके नाम क्यों बदले बोला मैंने कोई नाम नहीं बदला जो पुराना नाम था जो किसी ने आगे बदल दिया था मैंने उसको पुनः पुनः स्थापित कर दिया मैंने प्रयागराज को प्रयागराज कर दिया किसी ने आगे बदल दिया था वहां पे उस नाम का कुछ जो जो इलाहाबाद नाम का वहां पर कोई ऐसा कुछ चिन, कोई चिन्ह कोई प्रतीक ही नहीं है वो तो आज भी लोग प्रयाग बोलते हैं ट्रेन का नाम कब से प्रयागराज एक्सप्रेस है अयोध्या अयोध्या का नाम ही अयोध्या है वहां पे जो टूरिज्म है सब कुछ अयोध्या के नाम से है मैंने उस उसने नाम को पुनर्स्थापित कर दिया मायावती जी ने इतने नाम बदले अखिलेश ने इतने नाम बदले अंबेडकर नगर रखा आपने किसी ने कुछ नहीं कहा जब मैं नाम को पुनर्स्थापित कर रहा हूं तो आपको क्या दिक्कत है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं लॉजिक के साथ बोलते हैं इसलिए उसमें कोई लाग लपेट की गुंजाइश बचती नहीं है

कि अगर आप पॉलिटिकल सीरी भी देखें मैं मैं समझ मैं अगर ऐसे अपनी पॉलिटिकल गणना करूं और बहुत सारे लोग उससे एग्री होंगे कि 24 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जीतेंगे बड़े आराम से जीतेंगे और और उस उस कार्यकाल के दौरान वो पचहत्तर के हो जाएंगे जो भाजपा ने अपनी एक इंटरनल लिमिट सेट करी है तो उसके अंत तक अगर अगर हम देखेंगे कोई और प्रधानमंत्री बनेगा जो दो हजार का जो इलेक्शन होगा तो कौन लोग हैं जो उस समय ऐसी जिनकी पॉलिटिकल लोकप्रियता होगी जो चुनाव कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि भाजपा तो लोकप्रिय लोग लोकप्रिय लोगों को ही आगे करती है जो चुनाव जीत सके उनके लिए और जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी हो जो नरेंद्र मोदी को था तब तक इनका पॉलिटिकल सीवी क्या होगा आप देखिए एक बार पांच बार के सांसद तब तक मैं मैं ऐसा मान रहा हूं कि बाईस का इलेक्शन बड़े आराम से योगी जी जीत जाएंगे दो बार के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री दो या तीन बार के या डेढ़ बार के मुख्यमंत्री करीब पंद्रह साल के इतना बड़ा पॉलिटिकल सीवी और उम्र केवल पचपन साल उम्र उस समय तो केवल पचपन साल ऐसा शायद एक दो लोग इसके आसपास भी आ पाए तो अगर मैं देखता हूं चार पांच लोगों में संभावना दिखती है अमित शाह जी जो जिनकी उम्र भी कम है वो शायद चौवन साल के हैं शायद स्मृति ईरानी पॉपुलरिटी बड़ी है पॉलिटिकल उन्होंने राहुल गांधी को हराया तो पहली पोलिटिकल विक्ट्री है या उधर से मुझे देवेंद्र फडनविस दिखते हैं तो ये मुझे चार पांच लोग दिखते हैं और बीजेपी ने आई थिंक ये अच्छा करा है बीजेपी अपनी इस प्रणाली को अगर जारी रखेगी कि मेरिट के हिसाब पे आदमी को ऊपर लाने की जो प्रथा है उनकी इसको अगर वो जारी रखे तो वो पार्टी चलती रहेगी जब उसमें वो कहीं पे भी हल्का सा भी वंशवा इधर उधर ठीक है टिकट टिकट मिलती रहे अलग बात है लेकिन शीर्ष नेतृत्व पे अगर नहीं आए लेकिन हाँ जो उनको अगर उनको कुछ चेंजेस करने हैं तो यही कि उनको अपनी टीमें क्रिएट करनी पड़ेंगी कोई पॉलिटिकल कपल उनके होने चाहिए जो उनके साथ चले इस जर्नी में लंबी जर्नी होती है पॉलिटिक पार्टी के अंदर भी बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है सबको पता है पॉलिटिक बाहर तो बड़ी नॉन पॉलिटिक्स होती है कांग्रेस और बीजेपी के बाहर तो बड़ी नॉन पॉलिटिक्स है पता है कि पांच मुद्दों में क्या डिफरेंस है के अंदर पद पाने के लिए पद पर स्थापित होने के लिए पॉलिटिक्स होती है उसके लिए आपको अपने लोग चाहिए होते हैं जो राजनीति में आपके साथ चले जैसे अमित शाह नरेंद्र मोदी के साथ चले जैसे अडवाणी जी और एड करनी पड़ेगी और जो पहले से करनी पड़ेगी और वो ये कि ये जो आपका लेफ्ट का इकोसिस्टम है नेशनल और इंटरनेशनल इससे मजे की बात नरेंद्र मोदी के बाद संजय जी योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले चीफ मिनिस्टर होंगे जो न्यूयॉर्क टाइम्स वाशिंगटन पोस्ट में छपते हैं कभी शिवराज सिंह चौहान नहीं छपे वाशिंगटन पोस्ट उनके साथ एक जो है मुझे लगता है उनको इनकी परवाह नहीं है इसलिए उनकी अभी परवाह नहीं है तो वो लेकिन वो सीखना पड़ेगा वो सीखना पड़ेगा, वो, वो, वो एक ऐसा है मोदी जी को भी बहुत तकलीफ हुई है यहाँ सिस्टम हालांकि उनको यहाँ आके एडजस्ट करना पड़ा नया पीयूष त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं सोमनाथ भारती की जो खातिरदारी हमारे योगी जी ने करवाई कोई आपिया यूपी ना आए गो जबी टिकट पकड़ा रखा रखा है पांच पक्कार में से एक आपियों ने अनुशासन के प्रतीक के लिए योगी जी राजनीति में एक उत्कृष्ट उदाहरण कहे जा सकते हैं हम इनसे सहमत होने के अलावा और क्या क्या कह सकते हैं ठीक कह रहे हैं आम आदमी पार्टी अगला चुनाव लड़ रही है तो वो बहुत सारे राजनीतिक हथकंडे अपनाएगी जिससे वो न्यूज में आए आपको पता ये तो आपको आपको आम आदमी पार्टी को ये आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि न्यूज में बने रहना अरविंद केजरीवाल उसके लोगों को आता है चाहे बिल्कुल तो अगर कोई कह दे कि तो रहा है सर्केबल चलोगे तो न्यूज में ज्यादा हो तो अगला सर्केबल चलने के लिए है अपने मुंह पे शाही फेंकवाना हो चाहे मरवाना हो चाहे लोगों को मरवाना हो वो कुछ भी कर सकते हैं तो सोमनाथ भारती और ये सब उसी कड़ी में है और वो पा भी गए देखिए हम बात कर रहे हैं उसकी यानी कि वो पा गए इस बात की पता लग गया लोगों को आम आदमी पार्टी है और चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में हर्ष उपाध्याय लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री होंगे लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में बहुत काम करना कम से कम 20 साल अभी योगी जी युवा है आपके विचार ये तो अगला वो 22 का चुनाव जीत रहे हैं मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से और भाजपा का भाजपा बा, नॉर्मली अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस फेस बनाती है ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां उन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को फेस ना बनाया हो और वो भी इतने लोकप्रिय है सीएम को तो वो दोबारा बनेंगे और उनका वो बाईस से फिर सत्ताईस में काल खत्म होगा उस समय योगी जी का काल चौबीस वाला चल ही रहा होगा तो वो पंद्रह साल बनी जाएंगे मुख्यमंत्री और उनका जब तक प्रधानमंत्री का मौका आएगा दो में

बिल्कुल साफ निकल के आई है और लॉ एंड ऑर्डर देखिए बड़ी विचित्र परंपरा है इतनी सीधी सीधी नहीं है कि गुंडा है उसको पकड़ के जेल में डाल देना इतनी सिंपल प्रक्रिया नहीं है पालनी चीजें कोर्ट पहुंचती है और कोर्ट मतलब ये थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट केवल न्याय नहीं देता है कोर्ट तथ्यों के आधार पर जो न्याय दे सकता है वो देता है तो तथ्य कई बार आपके हाथ में आते हैं नहीं आते हैं लेकिन आपको सामने से पता होता है कि ये मुजरिम है लेकिन तथ्यों के अभाव में वो छूट जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ी जटिल प्रक्रिया है और योगी जी उसे बहुत ही सुंदरता से उत्तर प्रदेश के लिए देन है वो

की तरह मुझे भी लगता था 2014-15 में कि केजरीवाल जी के पास एक बहुत बड़ा कैनवस है जिस तरह से हो, हो रही थी। वो एक अपोजिशन जो भी एक लेफ्ट ऑफ सेंटर जो ग्रुप है उसका दर्जा ले सकते थे लेकिन कांग्रेस के पास पुराना इतिहास है कम से कम केजरीवाल ये पंद्रह बीस तीस साल में शायद कर पाते अगर लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने आप को बिहेव करा उन्होंने दिल्ली में बस एक एंटी मोदी मोदीज्म लेके चले जो उनके बड़े छवि के नेता थे चाहे वो कवि जी हों चाहे वो प्रशांत भूषण हो चाहे वो, वो योगेंद्र यादव हो जिससे उनको खुद को डर लगा उन्हीं को निकाल दिया उन्होंने तो वो योगी जी से तो डरेंगे ठीक है पॉलिटिकली वो नरेंद्र मोदी योगी उनके लिए बड़ा नाम है लेकिन अब जैसे वो एक सी, चीफ मिनिस्टर तक सीमित हो गए हैं उन्होंने अपना और जो बड़ा कर सकते थे वो नहीं करा शायद अपनी पोजिशन बचाने के लिए तो मैं बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं देखता हूँ एज अ पोलिटिकल स्टूडेंट अरविंद केजरीवाल जी अगला ये त्रिपाठी योगी जिनके साथ काम करने में मजा आ रहा है मैं इसका समर्थन करता हूँ मेरे पिताजी भूमि अर्जन अधिनियम राजस्व से सेवा निवृत्त अधिकारी वो अर्जन अधिकारी लैंड एक्विजिशन ऑफिसर से निवृत्त हैं तत्कालीन डीएम विजय किरण आनंद वर्तमान बेसिक शिक्षा सचिव यूपी और मेरे पिताजी ने करवट होने का बड़ा आनंद लिया है देखिए ये आ गया एंडोर्समेंट धन्यवाद आपका बिल्कुल, 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 बिल्कुल इस समय एजुकेशन के डायरेक्टर हैं बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं बहुत यंग से हैं और उन्हें कुंभ के मेला अधिकारी थे वो और आपको पता ही है कि कुंभ कितना कुंभ हुआ था प्रयाग में अजय शर्मा जी जी इन फ्यूचर योगी जी बिकम ये तो हो गया सवाल हो गया अगला ले अमित पालसरा हिमाचल आल्सो नीच योगी वेरी बैड गवर्नमेंट है चलिए हिमाचल की बात हम नहीं कर रहे तो तो आपकी राय है अगला चेतन अग्रवाल संजय जी मोस्ट नगर निगम अथॉरिटीज इन यूपी बिकम डेंस ऑफ करप्शन एंड इज गवर्नमेंट मॉडर्नाइजिंग देम अंडर स्मार्ट सिटी देखिए ये मेरा जनरल ये इन्होंने अच्छा कमेंट कहा चाहे कहीं पे भी हो चाहे किसी भी गवर्नमेंट के अंदर में हो मैंने कभी बहुत ही कम कुछ इंदौर भोपाल को छोड़ के बहुत ही कम देखा है कि म्युनसिपल कॉर्पोरेशन में अच्छा काम हुआ है मुझे आप बताइएगा मतलब लिटरली बुकलेट छपती है जिसमें पंद्रह मुंसिपल का नाम आता है पांच मुंसिपल का नाम आता है मुंसिपल लेवल पे चाहे कोई भी हो देखिए एक प्रणाली होती है वो वैसे ही चलती है काफी तरह एक एक चीफ मिनिस्टर एक बड़ा नेता आके उसे थोड़ा बदलाव कर देता है लेकिन मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ भारत में जनरली कश्मीर से लेकर केरला तक मुंसिपल लेवल पे बड़े बदलाव की जरूरत है वहां पे गवर्नेंस में है, में है चाहे कोई भी पार्टी आती है काम अभी उतनी तेजी से नहीं होता कोई एक कमिश्नर आके थोड़ा बहुत बदल देता है जो इंदौर में हमने देखा भोपाल में देखा महाराष्ट्र की साउथ की कुछ कॉर्पोरेशन में देखो ऐसा बदलाव हर जगह होना चाहिए अच्छी बात है और योगी जी का भी रखा है हाँ ये तो अमरिंदर सिंह बताएंगे लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब बिल्कुल उनका पर दबिश बढ़ी तो बांदा की एक जेल में थे वो वहां से उन्होंने कोई एक पंजाब का केस दिखा के पुलिस से उनका हैंडओवर ले लिया और वो बढ़िया पंजाब में समय काट रहे लेकिन योगी जी तो वापस भी नहीं कर रहे अब वापस भी नहीं कर रहे हैं।, सारे केस हो चुके हैं लेकिन घर परिवार के लोग थे उनपे भारी दबिश है तो देर सवेर उनका जो जो किला है वो ढह चुका है बस आखिरी कुछ स्ट्रॉ बचे हैं वो भी ढह जाएंगे उनके रहते रहते जी पूछ रही है सर गाड़ी पलटने वाला फॉर्मूला हर स्टेट फॉलो करे

कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि भाई पुलिस एनकाउंटर ही करेगी तो मेरे ख्याल से ऐसे क्विक नतीजे में पहुंचना नहीं लेकिन हाँ उन्होंने ये है कि डेढ़ से दो हजार लोग ऐसे जो कोर्ट से भागे जो जेल तोड़ के भागे जिन पे अरेस्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ कभी उन पर दबिश बनाई है बहुत सारे लोग एनकाउंटर में मरे हैं बहुत सारे लोग जेलों में हैं घायल होकर और लोग सच में जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं उनको पता है कि हमारा जीवन कोई अच्छा नहीं होगा और अपनी सजा पूरी काट के निकले यहाँ पे तो वो तो दबिश हुई है लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश में हरित पारेख कनाडा से जुड़े हुए हैं थैंक्स फॉर नाइस इंफॉर्मेशन ऑन योगी जी आपका स्वागत है संजीत मिश्रा हाउ डज द योगी संग इक्वेशन लुक लाइक आर देयर रियल रफ एजेस और मीडिया फेड एग्जैजरेटेशंस नहीं नहीं बल्कि बल्कि आप इसे सवाल थोड़ा मिसप्लेस्ड है बल्कि योगी जी को मुख्यमंत्री में स्थापित करने में संघ का एक बड़ा रोल है उस समय बहुत सारे नाम चले थे और जैसे मैंने कहा था कि वी और संघ का मठ से बहुत बड़ा संबंध है जो राम मंदिर का मूवमेंट है उसे फेस फ्रंट मठ संघ मठ नहीं किया था जैसे मैंने बताया कि राम मंदिर की जितनी भी कमेटी थी उसके जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट थे वो अशोक सिंघल जी नहीं हुआ करते थे वो जान पूछ के महंत अवैधनाथ जी को भी बनाया करते थे तो मठ का और संघ का और संघ परिवार का बहुत अच्छा संबंध है और मेरे पास कुछ बड़े दुर्लभ चित्र हैं मोहन भागवत जी के और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले और वहां पे अभी भी संघ की बहुत सारे वर्ग लगते हैं संघ और मठ बहुत क्लोज काम करता है तो ऐसी कोई भी देखिए योगी जी जो 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 उनका जो व्यक्तित्व जिस तरह से वो गवर्नेंस चलाते हैं जो जो वो एक हिंदू योद्धा की तरह काम करते हैं संघ को तो ऐसे लोगों की ढूंढ है ऐसे लोग तो ढूंढते हैं तो उनके उनमें कुछ भी मतभेद होने का तो चांस ही नहीं जी okay. नवनीत जी पूछ रहे हैं योगी जी, also, $1 trillion, $1 trillion अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने जो यूपी की प्रॉस्पेरिटी है जैसे कानपुर को ऑफ ईस्ट कहा जाता था ऐसे बहुत सारे जिले थे जिनमें आज भी माने जाते हैं कि चाहे फिरोजाबाद की चूड़ी हो चाहे भदोही के कालीन हो चाहे अलीगढ़ के ताले हों रामपुर के चाकू हो तो जो कानपुर में अभी भी काफी इंडस्ट्रियल बेल्ट है Uh, उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं एक बात जो हमारी uh, चर्चा में रह गई संजय जी एक ओडीओपी बोल के कार्यक्रम चल रहा है जो सेंटर ने भी अडॉप्ट कर लिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट जो उनका चलता है उसके अराउंड या उसके अराउंड जो बनेंगी उसके उसकी मार्केटिंग होगी उसके बड़े बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं नोएडा से लेकर जब एनआरआई दिवस हुआ था काशी में तब हुआ था उनको दिल्ली में स्पेस मिलती है उसकी सरकार उसके पीछे अपनी 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 ताकत अपना वेट लगाती है चाहे फिल्म सिटी बन रही हो चाहे जब भी चाइना से कोई कंपनी निकलती है उसको यूपी की टीम मतलब बिल्कुल नोएडा में लाने के लिए तत्पर रहती है तो प्रोस्पेरिटी कैसे वो तो उसका सूचक है। लेकिन एक बिल्कुल मॉडल ही ही था कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट की पर्चा तो आगे के पर्चे नहीं दिए ना कि आपको फॉलो करना पड़ता था उस धर्रे पर उत्तर प्रदेश आ रहा है तो उत्तर प्रदेश प्रॉस्पेस बनेगा पर क्या बेटा इनकम बढ़ रही है अभी एक लेख आया था सर्च करें तो सत्तर हजार के आसपास गई है जो बहुत गति से बढ़ रही है एक बड़ा अच्छा सूचक है

देखिए लोग मतलब बाहुबली नेता बन जाते हैं लोगों को दिक्कत नहीं होती फिल्म स्टार नेता बन जाते हैं क्रिकेट वाले नेता बन जाते हैं लोगों को दिक्कत नहीं होती है ना बिजनेस वाले बन जाते हैं लोगों को दिक्कत नहीं होती लेकिन एक सन्यासी बन जाता है तो लोग कहते हैं उसे सब छोड़ देना चाहिए था तो योगी जी ने वहां पे आप देखेंगे ना तो वहां पे जो योगी जी का स्टाफ है वो योगी जी के साथ खाना खाना नहीं चाहता है क्योंकि उनका खाना खाना पड़ जाएगा तो आप खा ही नहीं पाएंगे वो उबला हुआ खाना वो उन्होंने ए हटा रखे हैं वो अपने ही तरह से सोते हैं उन्होंने पूरा मुख्यमंत्री का, का कार्यालय वैसा ही अपने हिसाब से बना दिया है, है ना जो रंग में भगवा है वो तो अलग बात है लेकिन उनकी व्यवस्थाएं भी एक सन्यासी जैसी है तो वो जीवन वैसा ही जीते हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो मुख्यमंत्री को मिलती है वो अलग बात है वो जीवन वैसा ही जीते हैं बिल्कुल सादा उनका खाना है सादा उनका व्यवहार है वही दो वस्त्र पहनते हैं वो तो उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया उन्होंने उनका खुद का भी स्टेटमेंट है भाई मिलने राजनीति एक बड़ा लीवर है मैं मट के थ्रू इतना काम कर पाता था राजनीति को इतना बड़ा काम कर पाता हूँ मुख्यमंत्री बन एक एक राज्य के लिए तो अगला प्रश्न शेखर गुप्ता जी डेव्स पूछ रहे हैं यूके से जुड़े हुए शेखर गुप्ता जी रिसेंटली रोट एन आर्टिकल योगी सोर्स बट यूपी योर कमेंट्स प्लीज आप ने आ, ने मुझे ट्विटर पे फॉलो करते रहे होंगे आपने मेरी कमेंट अवश्य पढ़ी होगी यूपी सिंह करने का जो उनका क्राइटेरिया है वो पूरी तरह से आधारित है और रस मैं कोई महत्व नहीं देता और उसमें बल्कि उन्होंने जो स्नेक में एक स्टेटमेंट यूज करा था वो मेरे हिसाब से तो बहुत भड़काऊ स्टेटमेंट था उन्होंने लिखा था उस स्टेटमेंट अगर आपने वो आर्टिकल पढ़ा वो वीडियो भी था उसका जो वो कट द क्लटर बनाते हैं उसमें लिखा योगी इज वर्किंग फॉर ए मुस्लिम मुक्त यूपी अब एक हाँ, एक तो चुने हुए तो तो मुख्यमंत्री हाँ एक चुने हुए मुख्यमंत्री भी आप कह रहे हैं कि वो वो मुस्लिम मुक्त यूपी बना रहा है उनके जो मठ का जो चीफ कॉन्ट्रैक्टर है वो मुस्लिम है उनके उनके जो मठ के डेढ़ सौ दुकान है उनके कॉलेज का एक का डीन मुसलमान है और जो उनकी जो जनता दरबार है उसमें जाके देखिए आप कितने लोग गुरखा पहन के आते हैं और कितने लोग टोपी लगा के आते हैं तो ये पूर्वाग्रह नहीं वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो भी ये सारा लिबरल क्लास है वो सिर्फ एक खास किस्म के मुसलमान को मुसलमान मानता है उसको मेरा टर्म दिया हुआ है अगर आप सुना हो उसको मैं ए एम एम बोलता हूँ अशराफिया मुल्ला मौलाना जो अशराफिया मुल्ला मौलाना है वो योगी जी से नफरत ही नहीं बल्कि एक तरह का समझ लीजिए कि बिल्कुल जाती दुश्मनी मानता है और यही लोग जो है ये लिबरल्स के आसपास रहते हैं इसलिए ऐसा है और संजय जी आप देखेंगे आम मुसलमान है जो पसमानदा है जो पिछड़ा हुआ है और जिसको ये एएमएम क्लास जो है वो अपने खरीद गुलाम की तरह चलाता है उनके यहाँ ये बड़ा डिस्कशन हो जाएगा लेकिन आप एक चीज देखेंगे अभी से लेकर अब जैसे ऑलमोस्ट इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा ना मार्च उन्नीस को उनका चौथा साल कम्प्लीट होगा इश्तेहार आएंगे अखबार में वो अपनी सूचना देंगे क्या तो एक तरह से इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा ये वाला और आपको इस तरह के बहुत सारे एकदम से दिखेंगे प्रिंट में मेरे पांच लेख छप चुके हैं जो योगी जी की एजुकेशन पे पावर पे ट्रांसपोर्ट पे उन्होंने क्या अच्छा काम किया है शेखर गुप्ता ने खुद रिट्यूट कराए तो मैंने उनको खुद याद दिलाया कि आपने खुद लेख लिखवाए वो भूल गए क्या आप उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश से कोई अच्छी खबर ही नहीं आती कभी मैंने कहा आपने पांच खबर छापी है उनको तो पढ़ लीजिए कम से कम अपने प्रिंट में पढ़ लीजिए बाहर तो मैंने ऑफ इंडिया स्वराज मैक टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेस में सब में लिखा है मैंने मेरे ही कम से कम पंद्रह आर्टिकल पढ़ लीजिए और सबके मिला के पचास आर्टिकल पढ़ लीजिए जो बहुत अच्छी रिसर्च के साथ लिखे हैं तो उसी से आपको पता लग जाएगा तो बिल्कुल आई थिंक उस समय योगी जी की चर्चा बहुत हो रही थी कोविड की चर्चा हो रही थी फिल्म सिटी की बात चल रही थी अच्छे मैसेज आ रहे थे हम थोड़ा संक्षेप में रखेंगे नहीं तो ये रात के दो बजे तक खींचेगा ठीक है थोड़ा सा में अभी एक प्रश्न आया था जो निकल गया वो जरा वापस लाए व्हाट टू हिंदू युवा वाहिनी अरे हिंदू युवा वाहिनी बनी थी गोरखपुर में बनाई थी उन्होंने अपने मठ के ही अंदर में वहां पे होता क्या था कि बगल में जिला है आजमगढ़ आपका संजय जी आपने तो बिल्कुल गौर देखा हो कोई भी भारत में जब बम विस्फोट होता था पहले तो अक्सर हुआ करते थे अब तो सुनने को नहीं मिलते तो जब भी बम विस्फोट होता तो एक शार्प शूटर बम बनाने वाला आजमगढ़ से जरूर मिलता था अगर आपको याद हो एक जरूर होता है

हिंदू ने बहुत सुंदर सुंदर काम करे चाहे वो सामाजिक आजकल क्या हो आज तो बहुत सुंदर थी उसकी व्यवस्था बिल्कुल है है हिंदू युवा वाहिनी और वो अपने सामाजिक काम अभी भी करती है उसके सहबोज होते हैं उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं हिंदू युवा की टीम्स है गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय है और बाकी उत्तर प्रदेश में भी बाकी है वो एक सामाजिक संस्था की तरह है क्योंकि योगी जी खुद उसमें समय नहीं दे पाते तो थोड़ी सी बात थोड़ी बहुत वो आगे पीछे होगी लेकिन वो संस्था वैसे भी है उसका एक अपना प्रेसिडेंट होता है उसकी कार्य कार्यविधि होती है

वो ऐसे समय में हुआ है जब योगी जी मुख्यमंत्री हैं मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनका शासन चल रहा है अयोध्या दो घंटे दूर है लखनऊ से उनके मेरे ख्याल से अगर सब जिलों के दौरे मनाए जाए तो अयोध्या के दौरे सबसे ज्यादा है और राम मंदिर की घोषणा होने से पहले ही जो वहाँ पे दिवाली का बड़ा कार्यक्रम होने लगा है जिसमें कभी कोरिया की फर्स्ट लेडी आती है इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं वहां पे बड़ी मजे की बात मैं आपको बताऊंगा संजय जी पहले मैं जाता था दो हजार में जब रिसर्च के टाइम जाता था गोरखपुर अयोध्या तो दो होटल दिखते थे ओयो पे या मेक ट्रिप पे ऐसे किसी एग्रीगेटर पे अब वहाँ पच्चीस होटल दिखते हैं क्योंकि इतना मीडिया आने लगा होटल वही है होटल नए नहीं, नहीं बन गया लेकिन होटल ने अपने आपको अपग्रेड कर लिया है सबको तो ना तो वहां पे तो लोगों की इनकम एज अ टूरिज्म हब पहले केवल श्रद्धालु जाता था टूरिस्ट जाना शुरू हो गया मंदिर बनने से पहले ही तो वो तो उन्होंने अयोध्या का कल्याण तो पहले से ही बहुत अच्छा शुरू कर दिया अब तो मंदिर बन ही रहा है तो डिफिकल्टॉर स्टेट गवर्नमेंट प्रोपोगेट ड्यूरिंग इलेक्शन मोदी मध्य प्रदेश लेकिन योगी जी ने एक बहुत चीज करी है वो अपने हर भाषण में पहले जो उन्होंने जो सेंटर की स्कीम है वो उत्तर प्रदेश में कैसे लागू करी है वो बहुत अच्छे तरह से करी है और वो एक बहुत अच्छी चीज करते हैं कि जो भी बेनिफिशरी का डेटा होता है वो भी अपने विधायक को दे देते हैं उन्होंने विधायक लेवल पे अपनी ब्यूरोसी से कहा मुझे एग्रीगेट करके दो डेटा की विधायक लेवल पे क्योंकि आपको पता है संजय जी विधायक लेवल पे हमारे डेटा एग्रीगेट बहुत कम होता है वो ब्लॉक पे होता है वो डिस्ट्रिक्ट पे होता है उन्होंने विधायक लेवल पे डेटा एग्रीगेट करा है और सब विधायकों को कहा कि अपने जो बेनिफिशरी है उनसे जाकर संपर्क में बनाए रखी बहुत अच्छा कदम है जो उनकी गवर्नेंस को उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जोड़ता है तो आई थिंक वो कर रहे हैं बहुत सुंदर काम इसमें भी कि अपनी काम मतलब जम के काम करो और जम के उसको बताओ

बोलता हूं जो 29 के आसपास कभी होगा तो उनका बहुत स्ट्रॉग पोलिटिकल सीवी होगा पांच बार का सांसद तीन करीब ढाई ढाई टर्म का उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का चीफ मिनिस्टर एक्सट्रीमली पॉपुलर कर्नाटका में जहाँ पे कर्नाटका में जहाँ पे भाषा भी समझ में नहीं आती होगी हिंदी सबको वहां पे भी तीन तीन चार चार की रैली हो रही है आ, तो पॉपुलर है है इंडिया उनकी भी है, और वो जब सीएम के काल से एक्सपीरियंस और आता जाएगा तो और कुछ एडमिनिस्ट्रेटर होते भी जाएंगे जो मोदी जी हो गए थे तीन टर्म के बाद तो लक्षण है तो? जो इसका जो हिडन क्वेश्चन है वो मैं बता सो कॉल्ड so

और संघ ने उस एरिया में जो उनकी एक इकाई है भाजपा उसके थ्रू अवैद, महेंद्रित्यनाथ को करा तो एक सिस्टम तो है सुंदर जो सीनियर लीडरशिप लेवल पे अच्छे लोगों को थ्रो अप करता रहता है मेरे ख्याल से वो सिस्टम चलता रहना चाहिए ऐसे प्रणाम एम समझे जी उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का परफॉर्मेंस अच्छा होने के बावजूद उनको हटाने पर एक बुद्धिजीवी तबका लगा है इसमें आपका क्या विचार है मेरे से की बात हम ना करें। साथ साथी हैं लेकिन दो हजार बाईस पूनम अबी हाउ मेनी फैमिली मैन अंडरस्टैंड गुड गवर्नेंस इनसे अपने तो बच्चे और बीवी तो समझती नहीं <laughs> देश चला <के> <laughs>

ने कहा आई एस ऑफिसर को आप मजा आ रहा है काम करने में तो यहाँ पे भी कैसी बात करते हुए मतलब मैं बार बार ही कहता हूँ की आप राहुल गांधी से एग्री करें डिस करें, अलग बात है मैं एक छोटा सा उदाहरण कोर्ट करता हूँ योगी जी का नहीं अमित शाह का है यूनिवर्सिटी ऑफ बकले में uh, uh, राहुल गांधी 2017-18 में एक, एक, से, एक सेशन ले रहे थे जो यूनिवर्सिटी में जाकर कभी कभी लेते हैं और वहाँ डायनेस्टी को डिफेंड कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन की भी भी है है इसकी भी है, भारत पे ही चलता है और उसी दिन अमित शाह दो हजार में एक कार्यकर्ता के घर में बंगाल में खाना खा रहे थे बैठ के अमित शाह जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बंगाल में फिर दो में अठारह सीट और चालीस परसेंट वोट शेयर आया तो एक आदमी डायनेस्टी डिफेंड कर रहा है एक आदमी जिसको बंगाल की अभी पता भी नहीं लगा समझ रहा है कार्यकर्ता के घर में बैठ के

अगला प्रश्न पियूष त्रिपाठी जी वर्तमान बेसिक शिक्षा का कारोबार विजय किरण आनंद जी पर है फिरोजाबाद जिलाधिकारी रहते हुए खुले में शौच करने वालों पर विशेष कहर ढाया और योगी जी ने इनकी कार्य करवा लेने की दक्षता के चलते बेसिक शिक्षा विभाग सौंप दिया है यही तो मजा है नहीं बिल्कुल ठीक कहा वो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर रहे हैं आई ऑफिसर्स को खासकर यंग आई एस ऑफिसर को सीनियर पोजीशंस दे रहे हैं जो सात आठ साल डीएमएन सीधे बड़े विभाग का डायरेक्टर बनाया जा रहा है और सीधे उनसे काम हो रहा है तो ये अच्छा है देखिए अपनी अच्छी टीम चुनना एक मुख्यमंत्री की वो भी उसका एक कौशल है जो वो अच्छे से कर रहे हैं राहुल शर्मा व्हाट विल योगी जी नीड टू लर्न और डू टू बिकम फ्यूचर पीएम ये तो हम बात कर चुके हैं तीन चार बार मैंने भी कहा संजय जी ने भी दो तीन बातें तो बात तरुण व्हाट इज योगी जी कमिंग बैक इन 2022 व्हाट इफ़ एसपी एंड बीएसपी कम टुगेदर अगेन आल्सो इज कांग्रेस गेनिंग एनी ग्राउंड अधिक अच्छा प्रश्न है इसमें दो है कि योगी जी को भाजपा मुख्यमंत्री की तरह रखेगी जिसकी प्रोबेबिलिटी 99.9 परसेंट है भाजपा ने कभी भी अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अलावा किसी को नहीं रखा है आ, मुझे कोई ऐसा एग्जांपल याद नहीं आता और वो भी जब योगी जी जैसा यंग और पॉपुलर पहली बात दूसरी वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे मेरे ख्याल से जनता में जो काम करा है जैसे नरेंद्र मोदी अपने काम पर वापस आए ऐसे योगी ने जो काम करा है वो बहुत एक्सटेंसिव है बहुत खतरनाक रीच है पार्टी का स्ट्रक्चर सुनील बंसल स्वतंत्र देव सिंह ने बहुत स्ट्रांग किया है वो स्ट्रांग है और तीसरा जो अपोजिशन साइड है सपा बसपा ने साथ में आके देख लिया 2019 में वो साथ में भी आए तब भी भाजपा साठ सीट ले गई और जो अब जो समीकरण मुझे बनती दिख रही है वो ऐसा दिख रही है कि सपा कांग्रेस चंद्रशेखर रावण और आर साथ लड़ेंगे मुझे ऐसा लगता है बसपा अलग चुनाव लड़ेगी और भाजपा चुनाव लड़ेगी तो मुझे लगता नहीं कोई भी ग्राउंड गेन कर रहा है और कांग्रेस तो बहुत ही फ्रवुलस है आज भी वो बिल्कुल एक ट्रेजिडी टूरिज्म है वो जो किसान जो ट्रक भेड़ रहा था पुलिस वालों में वो मर गया उसके घर जा रही है उनको और कोई नहीं मिला पुलिस वाले जो चार घायल पड़े हैं दिल्ली के अस्पतालों में उनके जाते तो हैं उनकी तो तो प्रायोरिटीज ही ही ऐसी है कि कि वो वो देखने से ही किसी को समझ में आ जाए अब तो अब अब मतलब देखिए पुराना समय चला गया दूरदर्शन आपके पास है आप कुछ ड्रामा करेंगे दूरदर्शन उसको ग्लोरीफाई करके दिखा देगा और आप अपनी नरेटिव चला देंगे अब तो ट्विटर से लेकर कु से लेकर यूट्यूब से लेकर चैनल से लेकर बहुत तरह की बातें अब आप कुछ ऐसी मक्कारी करके बच नहीं सकते हैं तो कांग्रेस को ग्राउंड बिल्कुल बिल्कुल सही जी ये अंतिम प्रश्न आ रहा है लेकिन मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप अभी बने रहिएगा क्योंकि अभी हम रैप सॉन्ग आपको सुनाने जा रहे हैं ये विशेष रचना जो आई है शांतनु जी द्वारा उससे ही इसका अंत होगा चलिए सुनते हैं मेरे सुनो मेरी सिस्टर स्टोरी ऑफ द बिकेम चीफ वंडरफुल लीडर द एल योगी इनकी तारीफ इनके काम से ही होगी पॉलिटिक्स इनके आते ही खत्म बड़ा सिंपल सा है पंडा काम ज्यादा बातें कम सबका सॉल्यूशन इनका जनता दरबार कोई मजाक तो नहीं होना एमपी पी भाजपा लगातार योगी योगी, 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 योगी।, योगी योगी करते हैं सारे यहाँ पर पूरी कहानी सब जाने कहा कलरफुल लाइफ ये कैसे सैफरन हुई एंड हाउ कम अजय विकेमा योगी ऐसा क्या हुआ सब बदलने की ठानी इफ यू वो नो पढ़ो इनकी कहानी पढ़ो मेरे ब्रदर पढ़ो मेरी सिस्टर द स्टोरी ऑफ द मॉक हु गेम चीफ मिनिस्टर धन्यवाद शांतनु जी धन्यवाद सभी दर्शकों को और इसी के साथ हम इसे समाप्त करते हैं धन्यवाद तुषार जी आपके कंट्रीब्यूशन के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद विदा लेते हैं जय हिंद वंदे मातरम वंदे मातरम संजय जी बहुत आनंद आया और मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शकों को भी आनंद आएगा इसे सुन के धन्यवाद